good morning to all of you am i audible to one and all kindly confirm ब्रिज बाला कैसे हैं आप फाइन सो यू कांट यू कांट स्पीक ब्रिज बाला जी आप बोल नहीं सकती हैं अभी भी बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का ठीक है आप कम से कम प्रश्नों के उत्तर दीजिए कीजिए संध्या को बेबी सो रहा है अच्छा सो स्वीट ओके ओके <laughs> तो आप कम से कम ऑडियो भेज सकते हैं है ना जी देखिए मेरा ये सब कहने का पर्पस दो है मैं क्यों कह रहा हूं ये जो मेरा प्रोफेशनल धर्म है वो मैं ऑलरेडी निभा रहा हूँ ठीक है गुड मॉर्निंग मैडम मेरा प्रोफेशनल धर्म ऑलरेडी निभ रहा है भाई मेरा प्रोफेशनल धर्म जो दुनिया कर रही है मैं उसे... ये कौन है हाँ सरस्वती जी नमस्कार तो मेरा प्रोफेशनल धर्म ऑलरेडी निभ रहा है क्या वो मैं ऑलरेडी निभा रहा हूं लेकिन <clears throat> आपका पेपर ऐसे नहीं निकलने वाला जो सप्त वर्षीय मैंने तपस्या की है अकेले बैठ के और मैंने जैसा आपको कहा कि मैं ग्रुप्स को एंटरटेन ही नहीं करता ग्रुप को मैं ग्रुप लाइक दिस जिनसे मैं बात कर रहा हूं वरना मैं ग्रुप में काम नहीं करता तो मैंने क्या पाया मैंने पाया भाई ग्रुप का तो कोई मतलब नॉर्मल कोचिंग का तो कोई रोल ही नहीं है आपको लेवल रेज करना पड़ेगा बहुत ज्यादा और जब तक आप लेवल रेज नहीं करोगे तो पेपर काबू में नहीं आएगा और पेपर काबू में नहीं आएगा तो पेपर निकलेगा नहीं और पेपर निकलेगा नहीं तो भाई फायदा क्या अब ये आपको सोचना है जैसे एक योगासन होता है मेरे को मालूम नहीं कौन सा होता धनुरासन एक मुद्रा होती है धनुरासन गूगल करना जरा मेरे ख्याल से धनुरासन में आप पीछे हो जाते हो ऐसे करके और पूरा एकदम धनुष की तरह बेंड हो जाते हो तो और वैसे ही रहना पड़ता है आपको तो ये पेपर भी धनुरासन की तरह ही है काल मार्क्स का एक आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस का किसने भेजा था एक सुबह आर्टिकल डाला ना मैंने ग्रुप पे देखा नहीं यस yes. तो मैंने पूछा किसने भेजा था मुझे वो आंचल ने भेजा था ना यस yes, सर बहुत अच्छा आर्टिकल है देखो जैसे देखो जो हमने किया वो सब आ गया देखो तुम्हारे सामने एक सेकंड में एक सेकंड में आ गया आ गया ना एक सेकंड में आपने भी कल एक आर्टिकल दिया था इंदू जी थैंक यू तो सर मुझे आप मुझे बोलना चाहिए आपको जो? कि सारी चीजें पढ़ी उसमें से कुछ चीजें लाइक आपने जैसे हीगल बताया था पहले कि वो मोर कॉन्शियसनेस की तरफ लीन रहते हैं hmm. तो वो चीजें उसमें पड़ी और अपोजिट टू दैट काल मार्क्स मोर मटीरियलिस्टिक रहते हैं मोर मटेरियलिस्टिक नहीं मटेरियलिस्टिक ही रहता है exactly. देखो तुम लोग जब तक अपना व्यवहार अपनी भाषा अपनी सोच अपनी पर्सनालिटी चेंज नहीं करोगे तो पेपर नहीं निकलेगा बॉस पेपर के लिए एक अजीब सा जुनून चाहिए सुन के तुम्हें अजीब लगता होगा लेकिन I believe, comfort, से अच्छा है अनकंफर्टेबल शहीद की मौत अब जो मेरी इस बात से डिसएग्री अगर एक ग्रुप डिसएग्री करता है तो मैं अपना स्टाइल को चेंज करके मैं एक पैसिव सा स्टाइल कर सकता हूँ और मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे ऐसा कोई ह्यूज मॉनिटरी कोई बेनिफिट्स नहीं है मुझे ऐसे कोई बेनिफिट नहीं है बहुत बड़े पता नहीं क्या हो रहा है जी वो वो बेनिफिट भी भी मुझे चाहिए वो भी चाहिए लेकिन वो तो फिर जैसा मैंने बोला इंडिविजुअल इंडिविजुअल को जब देखा जाता है दिख जाता है भाई हम क्या करें रोक नहीं पाते अपने आप को इतनी भगवान ने शक्ति दे रखी है कि पता लग जाता है अब क्या करें उसका प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एज एन एडल्ट आप लोग क्या कहते हो करना चाहिए सर ओके okay. जैसे कल वी वॉकउट लेटमी शेयर वन मोर एग्जाम्पल विद यू टीचर कॉल में आप एंड ही वैसा बन सकता है सर एक बार बस बच्चा आ जाए मिस कॉल भी अगर बच्चा दे देगा ना तो उसको भी ट्रेस कर लिया जाएगा और उसको इतनी बार उसको प्रॉम्प्ट किया जाएगा कि वो ज्वाइन करे ही करे रावत सिंह अच्छा ओके ओके बोला एक बायोमेट्रिक सिस्टम भी आ रहा है सर टीचर ऐप के थ्रू ही बात करेगा बच्चा ऐप के ऊपर ही कम्युनिकेट करेगा ऐप पे ही कुछ वॉइस मैसेज छोड़ेगा टीचर भी ऐप के ऊपर ही बोलेगा तो मुझे कौन याद आ रहा था कौन याद आ रहा था मुझे अनम्यूट करके बोलो ना मुझे कौन याद आ रहा था सर काल मार्क्स काल याद आ रहा था मुझे ऑब्वियसली वो भी तो यही कह रहा है मतलब तुम बात कर रहे हो कि बच्चा बाजार है अरे बच्चा बाजार है लेकिन बच्चा इंसान भी है इंसान को एक मौका जरूर दो मैं एक मौका देता हूं भाई ये ले फ्री में जान ले, अरे यार ये फ्री में नहीं होगा, पैसे लगेंगे, म्यूचुअली डिसाइड करो और काम करो इससे ज्यादा तो कुछ और हो नहीं सकता इससे ज्यादा तो ये हो सकता है कि चुपचाप उल्लू बनाओ बस सब्ज बाग दिखाओ जैसा मार्क्स ने बोला कॉमेडिफिकेशन करो तो इसलिए आपको सबको अगर वाकई बनना है कितने भी सालों में क्या कितने भी सालों में तो अभी से जाग जाइए प्रश्न पूछिए एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए अपने माइंड में तरीके से काम कीजिए बिकॉज इज सोशियोलॉजी क्लास आई कांट शेयर विद यू मेल्स वरना में शेयर करता आपको दिखाता है ई e मेल्स की टॉपर कैसे लिखते हैं बनने से पहले कौन पर्सनलिटी कैसे बच्चों की होती है जो सेलेक्ट होते हैं उनके बात करने का तरीका क्या होता है वो किस बात पे फोकस करते हैं किस पे नहीं करते बट दिस इज नॉट द डोमेन लेकिन डोमेन सिर्फ ये भी नहीं है कि आपको समाजशास्त्री बना दिया जाए बिकॉज डोमेन इज टू हेल्प यू क्रैक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विद सोशलॉजी ऑप्शनल दैट इज आई एम टॉकिंग ऑल दिस सो इट कम्स अंडर डोमेन ओनली राधर बींग गॉसिप और अपनी बातें करता रहूं मैं या मैं सिविल सर्विस को क्रिटिसाइज करता रहूं वो नहीं है टीचर करते हैं पढ़ा भी रहे हैं क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं भाई खूब क्रिटिसाइज कर रहे हैं पैसेमिस्ट भी हो रहे हैं और तुम सुन भी रहे हो बैठ के दो घंटे तक ऐसा भी है लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना तो इसीलिए जैसे मैंने सरस्वती को बोला भाई हिंदी के लिख ले तू वर्ड मर जा लेकिन लिख ले खबर आनी चाहिए सरस्वती शब्द लिखते लिखते शहीद हो गई कोई दिक्कत नहीं लेकिन खबर आती है सरस्वती मौज कर रही है जी लड्डू खा रही है जलेबी खा रही है ब्याह में जा रही है लड्डू ब्याह हो रहा है सब कुछ हो रहा है पर सुशोल जी नहीं हुआ बड़ा अफसोस है बड़े दुख की बात है जी ये वैसे ही है आज से बहुत साल पहले हमारी दादी जी के हमारे दादी जी नहीं रहे थे हमारी दादी जी ईश्वर के पास चले गए थे तो कोई रिलेटिव मिला दूर का काला चश्मा बड़े से बाल मुझे आज भी याद है आते नहीं यार आप मिलते नहीं मिले नहीं हो आप मैंने कहा यार आप भी तो कहां मिलते हो देखो हम तो आए हैं जी मैंने कहा मौका आपके घर में रोज ऐसा आएगा मैं रोज आऊंगा टेंशन क्यों ले रहे हो मैं आपके घर में ऐसा माहौल रोज होगा आप किस पर्पज से आए थे आप शोक शोक सब हमें आए थे लेकिन आप कह रहे हो मैं तो आया हूं जी तो अगर इसको यहां ना कहते हैं तो हम दुआ करते हैं कि आपके घर में रोज ऐसा मौका हो हम रोज आएंगे तो बात को समझिए कि पढ़ना क्या है क्यों पढ़ रहे हो इसका कॉमर्शियल कोई लेना देना नहीं है कॉमर्शियल एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एवरीथिंग तुम अगर अपने पूरे दिन का समय वेस्ट कर रहे हो किसी भी तरीके से और अपने आप को मोटिवेट नहीं कर रहे हो उसमें जंग होगी उसमें जंग होगी जंग काल मार्क्स से इस कॉन्ट्रोडिक्शन यू नो हमने लास्ट टॉपिक क्या कवर किया था वी वर टॉकिंग अबाउट कि जो बेस है बेस ऑफ प्रोडक्शन की हमने बात की थी वो बेस चेंज होगा द बेस ऑफ प्रोडक्शन विल चेंज एंड इट विल फोर द रिलेशन ऑल्सो टू चेंज एंड मूवमेंट द रिलेशन विल चेंज द सुपर स्ट्रक्चर विल ऑल्सो चेंज तो, तो तुम्हारा आज का जो बेस है रिलेशन का नीचे वो कुछ और है वो है यूनिलेटरल वो लीनियर बेस है उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है उसके अंदर क्रिटिकल एप्रिशिएशन नहीं है उसके अंदर दुनिया को जो समझने की ताकत होनी चाहिए वो थोड़ी कम है हो सकता है ब्रिजवाला जी में ज्यादा हो किरण जी में ज्यादा हो जिन्होंने जॉब थोड़ी सी की हो या जिन्होंने लाइफ को थोड़ा देखा हो उनमें थोड़ी ज्यादा हो सकती है बाकी लोगों में भी होगी लेकिन मेरे को ज्यादा प्रस्तुत नहीं हुई है मैं तो वो देख सकता हूँ जो दिखाया जाएगा तो कार्ल मार्क्स दैट द बेस ऑफ द प्रोडक्शन एंड द रिलेशन द बेस जब बेस के जब एलिमेंट्स जो है वो जब रिवोल्यूशनरी मोड में आएंगे और जब उसके वजह से रिलेशन चेंज होंगे सोशल रिलेशन जो चेंज हो रहे हैं उसी की वजह से सुपर स्ट्रक्चर चेंज होगा इसके लिए मार्क्स ने क्या कहा रिवोल्यूशन चाहिए तो मेरे को बड़ा सही लगता है ये कि सिविल सर्विसेज के लिए तो यही है जो कॉलेज स्कूल है जो उसकी अप्रोच तो है ही नहीं बिल्कुल भी है तैयारी सभी करते हैं सबके इतने अच्छे हैंड राइटिंग होती है सब कलरफुल नोट्स बनाते हैं लक्ष्मीकांत का कोर्स कराते हैं ऑनलाइन कोर्स होता है जी या बहुत सारी कोचिंग कराते हैं लक्ष्मीकांत गवर्नेंस टू आवर्स में समझ नहीं आता भाई लक्ष्मीकांत कब से गवर्नेंस हो गया गवर्नेंस कब से हो गया मात्र एक किताब है वो वो भी पूरी नहीं है लेकिन आप इतना सारा कहीं और से सोच नहीं पाते ब्रांड इमेजिंग ज्यादा हो गई ब्रांड इतना पावरफुल हो गया दैट वी आर नॉट एबल टू हैंडल इट सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वट इज रिक्वायर्ड तो जैसे आपको मैंने बोला रोज आर्टिकल आपको देखना चाहिए ढूंढना चाहिए तभी तो जा एक क्या एक करोगे फिर दो फिर पांच फिर छह तब तो जीते बात बनेगी और इतना भी नहीं करोगे तो यार कैसे हो जाएगा आप मुझे बता दो मुझे तरीका बता दो मेरे पास बहुत तरीके हैं कि मैं थोड़ा सा बता दूं और बाकी आपको सब पढ़ लो जी ले लो हम भी देंगे पीडीएफ काल मकसम मैंने एक पीडीएफ दिया सबने पढ़ लिया अरे एक पीडीएफ तो दिया है? नहीं सर आपने नहीं दी अरे एक डॉक दिया था मैंने यार क्या बात कर रहे हो टेलीग्राम ग्रुप पे उल्टी बात कहीं और भेज दिया क्या मैंने अरे तो गजब हो गया मैंने कहा भेज दिया आर्टिकल तो मैंने भेजा है चलो डॉक मैं आज दोबारा डाल दूँगा एक मैंने शुरू का एक डॉक रेडी करके आपको दिया था नहीं इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं जो आपको दे रहा हूँ उसको उसी टाइम खत्म करो आर्टिकल तो जो मैं दे रहा they are ऑल मैं पढ़ के देख के करता हूं तो जैसे अभी आज आंचल ने जो आर्टिकल सुबह दिया इंडियन एक्सप्रेस का इट्स वंडरफुल थिंग चौबीस घंटे दिमाग चलना चाहिए कभी भी कोई भी काम की चीज आए, उसको स्क्वीज इन कर लो अप्रोच बनाओ एटीट्यूड बनाओ मौके की तलाश मत करो कब मौका आएगा दैट इज वाई किसी ने कहा था मुझे याद नहीं शायद विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है इफ द यूथ न्यू ये ऐसे आ चुका है यूपीएससी में इफ द यूथ न्यू एंड द एज कुड If the youth, new, and the youth and age could क्या मतलब है इस बात का बताओ कौन बताएगा हाँ बताइए uh, hmm. like, अब आज मैं चाहू जो आप कर रहे हैं वो मैं कर लू तो वो नहीं हो सकता वो इम्पॉसिबल है वो लेकिन जब मैं आपकी एज में था ना तो मुझे पता ही नहीं था जो आप कर रहे हो मुझे कोई बता ही नहीं रहा था मुझे ऐसे कोई बताता एक बार भी क्या एक बार भी तो जो मैंने किया है खैर खुद ही किया है खुद ही मैंने कर करके किया खुद ही डिसाइड किया अच्छी बात है आप सब लोग इसीलिए मैंने कहा ना यू पीपल आर वेरी वंडरफुल इन दैट सेंस लेकिन आगे तो बढ़ना पड़ेगा आगे इसीलिए आपको आप इसे रेस करना पड़ेगा अपने आपको खुशी के साथ लेकिन ओ, ऐसे करके नहीं करना है ऐसे करोगे तो फिर आप ही नहीं पाओगे आगे नहीं बढ़ पाओगे फिर तो अपने में कमियां ढूंढते रहोगे मेरे को तो ये भी नहीं आता मेरे को तो वो भी नहीं आता ऐसे नहीं होगा सो वी हैव टू सी फ्रॉम पॉजिटिव लाइट कोई क्वेश्चन कल से है तो पूछिए और मैं चाहूंगा जैसे मैंने कहा था कि जो हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन से लेके था फर्स्ट इंटरेक्शन से लेके उसकी पीपीटी बनाओ उसको बैठो लेके ऐसे पीपीटी बनाओ ताकि क्लैरिटी निकले ऑब्जेक्टिविटी निकले मजा आ जाएगा तुम्हें बाद में ऐसे ही दो दिन में सारा कोर्स रिवाइज अभी से ही मल्टी लेयर चढ़ाओ अभी से पीपीटी का मतलब ये नहीं कि उसमें पच्चीस रंग बिरंगे बना दिए बस बड़े बड़ा करके कर दो स्लाइड जितनी मर्जी यूज करो तो इसीलिए पीपीटी जनरली होता क्या है पीपीटी और एनी काइंड ऑफ सुपरफिशियल आइडिया उससे हम ग्रास रूट पे नहीं समझ पाते इसलिए वी हैव कंबाइंड द मेथड आई दैट्स व्हाई आई आई मे यूज पीपीटी लेटर ऑन बट आवर वे ऑफ वर्किंग एंड इंटरेक्शन विल नेवर बी हमारा ऐसा नहीं होगा कि वो पीपीटी में भी आपको बिना समझे हम भाग रहे हैं पीपीटी में बिना समझे भागने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है खुद को पढ़ाते रहो यस यस बोलते रहो और सब चलता रहता है सब ठीक है जी, लेक्चर पूरा। तो इसलिए कल से कोई प्रश्न तो पूछिए सर जैसे आप पहले पढ़ाते थे मतलब पहले समझाते थे उसके बाद पीडीएफ सेंड करते थे वैसे नहीं करवा सकते क्या बिल्कुल करवा सकते बोलते जाते हो फिर <laughs> बहुत अच्छी बात बोली तुमने बहुत अच्छी अब देखो शुरू के जो लेक्चर थे हमारे वो क्या है फॉर्म है वो वो क्या है हम ब्रेन कर रहे हैं वो शब्द मेरे हैं सारे के सारे वो मेरा बताने का तरीका है वो क्या और उसमें जो चीजें हम बोल रहे हैं जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी समझा रहा हूं या कुछ भी समझा रहा हूं उसमें क्या है सारा अप्लाइड आएगा उसमें सिर्फ टॉपिक फॉर्मल रहेगा और बाकी सब आपको खुद लिखना है क्योंकि उसका क्वेश्चन ऐसा तो आने वाला नहीं कि राइट रिसर्च मेथोडोलॉजी तुमने डायग्राम बना दिया ठीक है भाई एक होता है क्वालिटेटिव एक होती है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव जो है वो आपकी साइंटिफिक बेस है नहीं सॉरी क्वांटिटेटिव आपकी साइंटिफिक बेस है क्वांटिटेटिव में आपके साइंटिफिक मेथड है इम्पेरिसम है अगस् कॉम्टे है डर खाइम ने उसको अप्लाई कराया और उसके बाद आपने क्वालिटेटिव में बोल दिया भाई ये दिस इज मोर ब्रॉड दिस इज मोर यू कैन से इसके अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा है और क्वालिटेटिव वाले जो मेथड है उसके अंदर जो है क्वेश्चन भी आ जाएगा पार्टिस पार्टिसिपेंट इन्वेस्टिगेशन मेथड भी आ जाएगा केस स्टडी मेथड भी आ जाएगा ऑब्जर्वेशन भी आ जाएगी उसके अंदर आप इथनो मोट मेथोडोलॉजी इथनोग्राफी को भी ले आओगे उसमें आपको अपना लिखना ही पड़ेगा क्या अब मान लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब मान लो मैं ये जो कर रहा हूं काल मार्क्स इसको भी वैसे ही बता दू तो होगा क्या छह दिन में तुम्हारा सोशोलॉजी का कोर्स छह दिन में कितने दिन में छह दिन में कोर्स खत्म क्योंकि कुछ है ही नहीं एक समाज शोषित है आंसू निकाल लो दो मिनट और एक समाज जो है पीड़ा दे रहा है चौड़े हो जाओ एक बार पर। ये, ये समाज शास्त्र तो। अब किसने क्या बोला किसने क्यों बोला ये कैसे जानेंगे हम ये जब जानेंगे जब हम उनकी भाषा को लिखेंगे अपने पास तो अंग्रेजी में तो मैंने बोल दिया मान लो लेकिन मैंने स्टैंडर्ड बोला वो हिंदी में भी अवेलेबल नहीं है सरस्वती असंभव क्या जब तुम हिंदी के समाज शास्त्र की किताब खोलोगी तो दो दिन में उसके चाय के कप उलट दोगी उसके ऊपर कि भाई तू लिख क्या रहा है? ये क्या बोल रहा है? है? ये ये क्या क्या बोल बता रहा है एक लाइन से दूसरी लाइन से आतेंकराओ आते, आते, शंकरा तेरे नाम के बिना हो जाएगा ऐसे समझ ही नहीं आएगा क्योंकि कोई भी किताब सो कॉल्ड बुक जनरली सिविल सर्विसेज के लिए इट इज ओनली फैक्चुअल कलेक्शन जैसे एथिक्स की कोई किताब उठा लो आप और समझ के दिखा दो मुझे मान जाऊंगा मैं तुम्हें प्रणाम कर दूंगा कोई एथिक्स की किताब उठा लो एथिक्स की कोई भी उठा लो और फिर मेरे से बात करना बाद में सर आप बोलते तो मैं तो पूरा लिख ही नहीं पाती मैं तो स्पीड ही वैसे so सो स्वीट सो स्वीट so कोई बात नहीं इसका भी इलाज है इसीलिए मैंने ऑनलाइन ही किया मैं ऑनलाइन ही करता हूं ये चीज मिडटर्म तो ऐसे आती तो ऐसे ही छूट जाती है कोई टेंशन मत लो हाँ तो मैं बता नहीं पाती उसका इलाज है क्या? कोई बात नहीं बोलो उसके बाद नहीं तो फिर बोलो अरे तो तो... कुछ होगा नहीं थोड़ा होगा क्या होगा थोड़ा तो जब लेक्चर खत्म हुआ भूख लग रही है तो दो रोटी साइड में उठाओ और कान पे लगा लो ऑडियो और सुनना शुरू कर दो भैया क्या बोल रहा था ये शुरू से और सुनती जा पागलों की तरह और उसके बाद उसके बाद फिर ब्रेक लो और फिर घर का काम करते करते भी उसको सुनती रहे जब चार बार सुन ले नो तो सही पहले मेरी सुन लो पहले, पहले जब चार पहले। बार सुन लो अरे यार जब चार तर बार तर सुन मैं लो दोबारा सुनती हूँ सुनो तो सही बोलो मैं दोबारा सुनती हूँ ना तो बीच बीच में ना वीडियो स्टक कर जाती है तो फिर सुनने का मन नहीं करता नहीं मन से मत जाओ वीडियो स्टक हो जाती है पहले अपने मित्र से बात करो इनमें से किसी से बात करो कि भाई वो क्या बताया था अगर ये भी तुम्हारी मदद नहीं करते हैं या इनको भी कुछ नहीं आता वीडियो स्टक ना होने के बावजूद भी तो तुम काम की बात मुझसे पूछो काम की पूछो मैं अटकने नहीं दूंगा लेकिन काम की क्या काम की फिर अगर मुझे लगेगा कि नहीं ऐसे मैं नहीं बता सकता कुछ तरीके से होना चाहिए सिस्टम होना चाहिए कोई अप्रोच होनी चाहिए फिर मैं वो देखूंगा बाद में कि भाई हाउ मोर वट आर द मोर वेज यू कैन बी हेल्प प्रोफेशनली या कैसे भी असहाय नहीं बनना है अभी असहायता का कोई स्कोप नहीं है समझे मेरी बात को अटक रही है तो यू प्लीज कॉम्युनिकेट टू द अकेडमी आप बोलो आपका फर्ज है आपका अधिकार है इतनी फ्रीडम है मैंने भी इतनी फ्रीडम लेके ही किया है मैं मुझे नहीं चाहिए कुछ भी मुझे मत सिखाओ बात आई मेरी मैं क्या कहना चाह रहा हूं

प्रॉब्लम तो दो लाख है कैसे बदल लोगी जिंदगी हाँ स्मार्ट रोल फिर आता है। तुम इस लायक तो बनो कि मैं की बात एटीट्यूड तो तो और अप्रोच पहले चेंज करो मन नहीं करता जैसे तुमने कहा तो मन नहीं करता की जगह सोचो मेरा मन कैसे करेगा मैं क्या क्वेश्चन पूछू अकेडमी में क्या क्या हम्म एक एक दो वीडियो है जो कंटिन्यू चलती है और जो कुछ वीडियो है वो बीच बीच में रुकती है और सिर्फ सोशियोलॉजी की ऐसी है वो जो बीच बीच में रुकती है और कोई भी सब्जेक्ट की नहीं रुकती तो यार अब ऐसा तो होना नहीं चाहिए रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन प्रॉपरली एंड आई थिंक माय वॉइस एंड यू आर ऑडिबल प्रॉपरली मेरा हां जी मैडम सर ऐसे ही होता जो मैंने ऑनलाइन uh, अटेंड नहीं किए थे वो मैंने बाद में सारे ऑफलाइन किए हैं दे ऑल वेंट वेल आई फेस एनी प्रॉब्लम देखो नेटवर्क का कुछ इशू रहा होगा सरस्वती आपके से था? हाँ बिल्कुल और सरस्वती जी आप अपने किसी से बात करके करो आप चल जाएगी देखो कहा ना आंचल ने रिफ्रेश करके चल जाती है तो आपको कोने में नहीं धकेला जा रहा लेकिन आप और दूसरा तरीका है मेरे पास एक और भी व्हेन राइट नाउ द लेक्चर इज गोइंग ऑन मेरे जैसा हो और मेरे को अपना फायदा चाहिए तो मैं तो साथ में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चालू कर दूंगा मोबाइल साइड में रख दूंगा मैं या कुछ घुसा दूंगा कि भाई मेरा साइड में ऑडियो भी रिकॉर्ड होना चाहिए मेरे को बाद में सरदर्द नहीं चाहिए किसी भी कॉस्ट पे मेरी जिंदगी की कीमत है अब ये आप डिसाइड करो कीमत किस चीज की आपकी जिंदगी की, कि की है कि किसकी है जिंदगी की है पैसे की है घर की है एक कोई स्टूडेंट लड़कियों के साथ तो अक्सर ऐसा होता है मैरिज का प्रेशर है जी मैरिज का प्रेशर है जी सलाह कैसे पेपर निकलेगा कभी निकल ही नहीं सकता नहीं होगा कभी भी हुँ? बहुत सारे मैरिज करके सोचते हैं कि मैरिज से छुटकारा पाने का तरीका एग्जाम है वो है लेकिन वो सिर्फ सोचने से नहीं निकलेगा वो भी ना निकलेगा तो उसके लिए भी हमें वो चाहिए तो इसीलिए आप पूछिए बताइए ये मुद्दे सॉल्व होने बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि इसलिए आपको डबल एडवांटेज दी जा रही है कि आप सुन भी लो आप बात भी कर लो और आप प्रोफेशनल भी रहो ऑनलाइन ऑफलाइन में इतना नहीं हो सकता ऑफलाइन में कौन इतनी होगा ही नहीं ऐसे इतनी एफिशिएंसी नहीं आ सकती जितना आप लिख रहे हो लिख के दिखा दो मुझे बाकी जगह लिख जरूर रहे होगे पर समझ कितना रहे हो मुझे ये बता दो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है मुझे ही पता है हर सब्जेक्ट क्या कौन कितना करता है क्या होता है अभी एक जगह हिस्ट्री की बात हो रही थी तो उनका एक उनको अब समझ में आया जिंदगी में जाके कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट डेट्स एंड हिस्ट्री इज नॉट अबाउट इवेंट्स और सात घंटे की क्लास उनकी पॉलिटी की होती है और मैं मात्र दो घंटे बोलता हूँ या लगा लो कि या किसी बोलता भी नहीं हूँ बहुत बार तो मैं सिर्फ इशारा करता हूं तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट यूर सेल्फ ऑफ यू और सुनो बार बार सुनो उसको ये थोड़ी ना लिख दिया तुमने एक बार और हो गया एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए एक एक वर्ड लाइक ए स्निफिंग डॉग कहा गया संस्कृत में बको ध्यानम बक जैसा ध्यान होना चाहिए काग निद्रा नहीं 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 श्वाग निद्रा कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए कौवे जैसी चपलता होनी चाहिए कौवा बैठता हम कहते हैं सेकंड में उड़ जाता तो संस्कृत के श्लोक हैं ये अब तो मैंने कहीं पढ़े ही नहीं इतने बरस हो गए क्योंकि इतने सारे जो ये जो तुम लोग सामने हो ना ऐसे में ही पूरा निकल जाता है टाइम किताबों तक तो मैं जब पहुंचूंगा जब मतलब छुटकारा मिलेगा कि भाई यहाँ कुछ प्लस हो रहा है पूछे जल्दी पूछे ताकि हम स्टार्ट करते हैं और मैंडेटरी हो जाएगा आने वाले एक दो दिन के बाद से कि सभी लोग क्वेश्चन पूछेंगे समझ गए? ये मॉल नहीं है फ्री शॉपिंग नॉट अलाउड विंडो शॉपिंग नॉट अलाउड कि मॉल में गए हां जहां मर्जी गए कपड़े आधे घंटे पूछ लिए या हाँस नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा है नहीं चाहिए अपने को ऐसा समझे आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा और रिस्पॉन्स देना पड़ेगा पूछिए। तो सरस्वती जी कुछ समाधान हुआ भारत का झंडा बगल में है और एकदम मतलब बताओ और बात ऐसी कर रही है अरे बोलो तो सही तुम पूछ सकती हो मुझसे ठीक है हेलो अरे बोलिए तो सही मैडम खुश होकर बोलो कोई बात नहीं तुम रुकती भी है तो कोई टेंशन नहीं है जहां रुक जाती है अगर जो चीज अंग्रेजी में भी समझ नहीं आ रही तो मुझे लिख के दे दो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं समझने की आप शब्द तो पकड़ लो, शब पकड़ लो लो ये और इवन जैसे फैक्टर्स फैक्टर्स हमने वर्ड लिखा था कल फैटर्स, अब उसका हिंदी नहीं आ रहा है तो अंग्रेजी में फैक्टर्स लिख के लिख दोगे नंबर ज्यादा आएंगे हिंदी माध्यम मैंने बार बार बोला है हिंदी माध्यम का जो चैलेंज है वो हिंदी भाषा नहीं है क्योंकि हिंदी का जो टीचर है ना वो जो चेक करेगा वो भी खुश हो जाएगा अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम स्टैंडर्ड लेवल की है तो मैं मदद करूंगा जो भी मदद हो सकती है ठीक है ना सरस्वती जी आप तो इमोशनल हो रहे हो यार इमोशनल नहीं होना है कॉन्फिडेंट होना है जो भी दिक्कत आएगी उसको फेस करेंगे आप मुझे फोटो खींच के भेज दो पेज की फोटो खींच के भेज दो कुछ भी करो कोई टेंशन नहीं है अच्छा एनसीआरटी कहा पहुंची खत्म हो गई ट्वेल्थ

आप आता तो इंग्लिश में लिखो यार कोई टेंशन नहीं है हिंदी का मतलब हिंदी नहीं होता सिर्फ हिंदी का मतलब होता है आपका प्रश्न हिंदी में चल रहा है बीच में आपने इंग्लिश वर्ड भी यूज कर दिए पूरी एकदम संस्कृत निष्ठ हिंदी नहीं चाहिए सर, लेकिन फिर आप... बोलो की बात कर रहे थे ये कहा है इक्वलिटी ये कह रही हो सर आप आप तो बस इंग्लिश ऐसा लगता है कि सिर्फ इंग्लिश वाले बच्चों को पढ़ा रहे हो मैं अकेली हूँ तो नहीं 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 मुझे अफसोस हुआ बहुत आप अकेले नहीं हो हम आपके साथ हैं आप बीच में ये कैसे कर दिया करो बीच में आज से मुझे ये कैसे चाहिए मैं संभाल लूंगा बाकी मैं तो एक दूसरी दुनिया में होता हूं ना फ्लो में बोल रहा होता हूँ आप ये कैसे बोल दिया करो इतना कर दोगी है हाँ ये नहीं होने देंगे भाई तुम अकेली नहीं हो तो तुम्हें पहले दिन ही बोल देता कि भाई नहीं हो पाएगा थैंक यू अकेले नहीं हो लेकिन रोकना तुम्हारा फर्ज है अपने लिए खड़ा होना तुम्हारा फर्ज है वो तुम्हें करना पड़ेगा वो मैं नहीं कर सकता उतना करोगी देखो लालच दो है मैडम सुन लो अगर मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ थोड़ा सा और या मैं मान लो इंग्लिश में बोल रहा हूँ सपोज करो और आपको लगता है कि भाई मेरे ऊपर से चला गया समझ नहीं आया मैंने आपको मौका दिया कि आप मुझसे पूछ लो दूसरा आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप हिंदी के माध्यम का कुछ जाके कर लो पर वो जैसे हम कर रहे हैं अगर ऐसा होगा असंभव ऐसा नहीं हो सकता तो अब दोनों सुख तो नहीं मिलेंगे एक सुख हमें छोड़ना पड़ेगा और एक सुख हमें लेना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा भी चैलेंज है कि हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे दुनिया भर के हिंदी के टीचर मिल जाएंगे लेकिन समझ नहीं आएगा लास्ट में आपको रटना ही पड़ेगा हम चाहते हैं सरस्वती जी को रटना ना पड़े ठीक है सरस्वती तो आप रोक दोगे मुझे ये तो कर सकती हो या ये भी नहीं करोगी इसमें भी तुम इमोशनल बाण का प्रयोग करोगी नहीं। सारी की सारी कन्याओं के पास सबसे खतरनाक क्या है इमोशनल रेशनल हो इमोशनल हो हो जाओ जाओ उसके बाद और एक ही सेकंड में रेशनल भी हो जाएंगे नहीं नहीं, नहीं, तो साइकोलॉजी कहती है मैं एलिगेशन थोड़ी ना लगा रहा हूँ साइकोलॉजी ऐसा कहती है फीमेल्स आर बेटर इमोशनल मैनेजर्स गर्ल्स आर बेटर इमोशनल मैनेजर्स क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर और सोसाइटी का दबाव और उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन शुरू से होता है उसकी वजह से फीमेल्स बिकम बेटर बेटर मैनेजर्स ज्यादा प्रेशर हैंडल करती हैं कम डिमांड करती हैं ऐसा पहले था अब तो बहुत डिमांड करती हैं और आसानी से मान जाएंगी ये पहले था ये भी लेकिन दे आर बेटर इमोशनल मैनेजर्स दे हैंडल मोर थिंग्स देन बॉयज पर प्रॉब्लम है कि गर्ल्स के साथ यस yes.

अब देखो मैं पूछ रहा हूँ वो हंस दिए ये जवाब होता है बॉय 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 कांट डू लाइक दिस ही विल से सर सर हाँ. अनम्यूटलीधर में बोल रही थी अच्छा अच्छा क्या बोल रहा था बोलो सर घर पे वो ये घर पे आपने क्या वो बना रखा यार, है यार बहुत बढ़िया यार वेरी गुड शाबाश वेरी गुड भारत का झंडा एडोरिंग वॉल विद पोर्ट्रेट्स ऑसम तो कम नहीं है भाई अंग्रेजी हिंदी से कुछ नहीं होता

वर्ड्स तो कितने ऐसे वोकैबुलरी जो मुझे भी नहीं आती मैं इंग्लिश किया हुआ है ले 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 भाई, ले 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 भाई ये मैंने तुमसे पहले दिन ही पूछ लिया था कि तुम लोग कौन हो कि क्या पढ़ के आए हो कौन हो तो उसके बाद तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए ना तुम सब आम नागरिक हो फिलहाल अभी पेपर निकलने का कोई स्कोप नहीं है तो लेवल को उठाओ और ये इसी स्टेज से गुजर के जाना पड़ेगा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है तो जान लगाओ तब शायद कुछ हो जाए ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएगी प्रशासनिक सेवा अधिकारी की पदवी ऐसे कैसे मिल जाएगी मजाक हो रहा है वो भी जनरल कैटेगरी में अब मुझे मालूम नहीं कि सब लो, लोग आधे लोग ओबीसी में भी हो सकते हैं लेकिन ओबीसी में भी कोई खास वो नहीं है ओबीसी भी बहुत टाइट हो गई है रेस अब एक तो और दो नंबर का फर्क होता है अब इस बार तो अब इस बार तो ई वालों की चांदी थी उनकी कट नीचे चली गई थी अब ईडब्ल्यू सकते हैं क्या बन सकते हैं ये भी बड़े सोचने वाली बात है तो इसीलिए सरस्वती जी ऐसा कुछ नहीं है आप पहले हाथ तो आगे बढ़ाओ फिर देखते हैं चलिए कोई प्रश्न है तो पूछिए ताकि आप लोग कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करें बोलो जी सर ये यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू को हम ऐसे देख सकते हैं जैसे यूज वैल्यू हम कहें तो कंज्यूमर गुड्स

लेकिन क्योंकि आपका पैसा बहुत ज्यादा है तो आपने भैया हर साल छह एयर कंडीशनर आपने पेल दिए और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता बिजली का बिल आप दे सकते हो सरकार दे रही है आपको बिजली का बिल यानी आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो आप चीफ मिनिस्टर हो आप अरविंद केजरीवाल हो आप खट्टर हो आप कुछ और हो आप ओ हो उसके तो सारा पैसा कौन भरेगा सरकार भरेगी बिट बिल का मीटर मीटर का मीटर जो लगाया जाएगा उसको जो बिल आएगा चाहे वो एक रुपया आए चाहे वो एक लाख आए आपको नहीं देना है आपको नहीं देना है वो तो कमोडिफिकेशन हो गया उस एंगल से अगर बोलोगे तो लेकिन लेकिन व्हाट कार्ल मार्क्स इज सेइंग हियर कि आपने एसी खरीदे और एसी खरीद के आपने बेचे उससे जो पैसा आया उससे आपने और एसी खरीदे फिर आपने और बेचे और एसी खरीदे और बेचे तो बियॉन्ड द नीड और आपने उसकी नीड भी जनरेट की कि आपके घर का स्टेटस लो है क्योंकि आपके घर में एसी नहीं है आपके घर में शादी किसी कोई देखने आया और उसने बोला भाई एसी भी नहीं है इनके घर में तो हम तो ब्याह नहीं करेंगे दिस इज वॉट इज एक्सचेंज वैल्यू क्योंकि आप कॉमोडिटी के एंगल से दूसरे को देख रहे हो जैसे कुवैत है कुवैत जैसी जगह पर कुवैत जैसी जगह पर क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है फिलहाल बिकॉज इन समर्स यू हैव 48 एट टू फिफ्टी डिग्री टेम्परेचर तो उसकी वजह से जो अमीर अमीर कुवैती हैं वो तो चले जाते हैं यूरोप और जो आम कुवैती है उसके पास गर्मी में कुवेत में कोई सड़क पर नहीं निकलता है इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मर जाओगे वरना आप लेकिन निकलते हैं लोग फिर भी कौन जो इंडिया से माइग्रेंट है बांग्लादेश के माइग्रेंट्स हैं जो वर्कर्स हैं जो लोअर क्लास है वही निकलती है बस जबकि कुवेत को पता है कि इट शुड रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल जो फॉसिल फ्यूल का रिडक्शन कम हो, कम होना चाहिए लेकिन वो उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कुछ नहीं कर रहा है दो रुपए किलो दो रुपए लीटर तेल है वहां पे, तुम्हारा बिसलरी बीस रुपए की है वहां पे तेल भी उससे सस्ता है तो दबा के गाड़ियां चलती हैं गए तो यह समझने के लिए आपको एग्जाम्पल सीधा लेना पड़ेगा और कोई बात और कोई प्रश्न ब्रिज जी आप भी उत्तर लिख सकते हैं बोलो जी और कोई जवाब कोमल कुछ क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा अच्छा चलिए फिर सर और अगर हम कहें जैसे ऑफ ऑफ फोर्सेस प्रोडक्शन चेंज फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उससे जैसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल होती है हुँ. उससे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होंगे कि मशीन ज्यादा आ रही है तो जो इंडस्ट्रियल है वो लेबर शेड करेगा ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोर्थ इंडस्ट्रियल जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोलूशन की जो बात करते हैं हम फोर्थ इंडस्ट्रियल जो हम बात करते हैं या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हम बात करते हैं हम बात करते हैं कि उससे हमारे यहां रोजगार खत्म हो जाएगा तो यहां पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अनस्किल्ड लेबर खत्म होगा अनस्किल्ड लेबर को रीस्किल होना पड़ेगा जो ऑटोमेशन है वो ऑटोमेशन आपका लोअर लेवल पे हो सकता है बस उसके ऊपर नहीं हो सकता जैसे ये सब बाईजी भर का, आपने एक लॉग लॉगिन कर दिया तो हेलो तो वो बोट ही बोल रहा होता है। अब बोट उसके ऊपर कुछ, कुछ नहीं हो सकता तो आपको तो लेकिन पब्लिक सर्वेंट फ्यूचर पब्लिक सर्वेंट आपको तो आप, इन जेन्युनिटी यानी आपने अगर कॉमन सेंस का प्रयोग तगड़े तरीके से नहीं किया तो आप उभर के नहीं आ सकते आप जैसे थोड़े दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट ही और उसने लिखा था क्रिप्टो करेंसी क्या है एक तरीके से तो हवाला ही है वो एक तरीके से, कुछ ना है वो हवा है बेसिकली वो वो बंदे वो बंदा कौन था लेकिन फिर जब मैं पढ़ते समझ गया था कि ये तो सिविल सर्वेंट ही लिख रहा है और ही वॉज ए इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर जो पहले सीबीआई या पता नहीं ईडी में कहीं था समझे उसने बोला कि क्रिप्टो करेंसी क्या है वो भी एक तरीके का मिसनोमर है बहकावा है एंटी पब्लिक वेलफेयर है बेसिकली वो ये वो ये कहना चाह रहा था और ऐसे ही वो एन के बारे में लिख रहा था कि अब क्रिप्टो तो इंडिया में नहीं चल सकती तो इसलिए नया बहाना क्या आ गया एन आ गया तो ये जो बीच के जो स्टेक होल्डर्स हैं जो बड़े बड़े जो सो कॉल जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज खोले इंडिया में क्या है वो लोग उनको उनका तो कुछ लग नहीं रहा उनका कुछ नहीं लग रहा है ना मैंने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज खोल दी मेरा थोड़ा ना पैसा लग रहा है पैसा तो आपका लग रहा है और मैं बदले में आपको क्या दे रहा हूँ सौ रुपये सौ रुपए का दूंगा, मैं आपको सौ रुपए के बिटकॉइंस क्या है ये दिस इज व्हाट इज एक्चुअली जिसकी हम बात कर रहे हैं समाज का जो रूप है वो इसीलिए तो गवर्नमेंट थर्टी परसेंट टैक्स लेके आई अभी बिटकॉइंस के ऊपर अगेंस्ट स्पेक्युलेशन भाई आम आदमी को तो पता ही नहीं उसको लगता है बिटकॉइन में सौ रुपए डाल दिए तो मेरे तो दो लाख हो जाएंगे तो एक और नया सरदर्श शुरू हो गया सरकार के लिए बिटकॉइन स्कैम्स तो आने लग गए पहले चिट फंड स्कैम थे सहारा का स्कैम आज तक खत्म नहीं हुआ है कि सहारा ने लोगों से चौदह हजार करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया है तो सहारा कहता है मैंने सबको लौटा दिया जी एक एक वो सहारा श्री सुप्रीम कोर्ट में भी रह लिया इतने टाइम तो मतलब जेल में भी रह लिया है ना कौन सा ऐसा हिंदुस्तान का नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया का कौन सा ऐसा गाँव व शहर है जहां पे सहारा का ऑफिस नहीं है यानी मजदूर दो सौ रुपये कमाएगा लेकिन रोज के बीस रुपए सारा में जमा करा देगा क्योंकि मेरे मेरे को एक दिन मिलना है तो सोचो आप सोचो आप बीस करोड़ लोगों ने सबने दो दो रुपए दो दो रुपए जमा करा दिए तो चालीस करोड़ तो यही हो गए एक दिन के एक दिन के हो गए मैडम ये बीस करोड़ लोगों ने अगर दो दो रुपए जमा किया तो कितना हो गया चालीस करोड़ और वही लोग अगर रोज के सौ रुपए जमा करा देंगे तो आप, आप सोचो और वही लोग रोज जमा कराएंगे आप फिर सोचो वही लोग पूरे महीने जमा कराएंगे तो यूज वैल्यू एक्सचेंज वैल्यू ऐसे जाएगा डिस्गज एम्प्लॉयमेंट है बिल्कुल है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल रेल्यूशन नहीं होने वाला हमारे अपने टाइप का चलेगा हम चाइना कभी नहीं बन सकते मतलब चाइनीज इंडस्ट्रियल रिव्यूशन इंडिया में नहीं होगा हमारा एक अजीब ही मिक्स मैच है सर्विस इंडस्ट्री हमारी इतनी आगे चली गई है लेकिन पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा है नौकरियां तो चाहिए तो क्या करोगे अब आप इसीलिए आप क्या बनोगे ये सब बनोगे जैसे इतने सारे एड टेक खुल गए सारे ग्रेजुएट पढ़ा रहे हैं दबा के आता चाहे खुद को कुछ ना हो और कलरफुल टी शर्ट सामने टेलीप्रॉम्प्टर ये 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 मतलब यार याद कैसे इसको यार अपने को याद नहीं हुआ यार मतलब ये कमाल हो गया तो ऐसे नहीं चलेगा ना आपको देखना पड़ेगा कि क्या पूछा जा रहा है तो इसीलिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है जो आप जहां पे सोचना बंद करते हो वहां से वो क्वेश्चन बनाना शुरू करता है आपने नोट तैयार कर दिए सब कुछ रेडी हो गया एग्जाम में गए तो क्वेश्चन में लिखा होता है ये और आगे लगा देता है फुल स्टॉप और फिर क्वेश्चन स्टार्ट होता है और आप क्या करते हो जो पहले आता है पहले तो वही बताऊंगी कर ले तो कुछ भी कुछ भी पूछ ले मैं तो वही लिखूंगी पहले जो मुझे आता है अभी क्वेश्चन लिखा था ना किसने लिखा था पता नहीं आ चल नहीं लिखा था शायद वो yes. हाँ उसमें था हाउ फार डू यू एग्री एग्री करके कुछ था और इसने क्या किया लिख दिया इसने ऐसे ही पता नहीं क्या क्या

यही चाहते हो तुम मुझे दिख गया सरस्वती ने तो पूरा फैल गए हो तो आज मौका पाके कि मैं तो तलाश में थी कब मुझे मौका मिलेगा और तब तो देखना लेकिन चिंता मत करो ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल सर वैसे तो आप बोलते हो कि हा? बोलो अगर कुछ है अब तो, बोलते हो तो फिर आप वापस ऐसे बोलते हो उसका भी कारण है नहीं नहीं बताता हूं हां यही तो बात है बोलना है कि नहीं बोलना म्यूट हो जाओ इसे कहते हैं आम नागरिक सिविल सर्वेंट अगर बनना है तो तुम्हें मैं जबरदस्ती बुलवाऊंगा और तुम वही बोलोगे जो सिर्फ काम का है अब प्रॉब्लम क्या है तुम्हें काम का बोलना नहीं आता वो जब तक तुम नहीं सीख सकते जब तक तुम बोलोगे नहीं और तुम्हें अगर बोलने को दिया जाए तो तुम फैल जाओगे और फैलने में दूंगा नहीं अब बताओ फिर तुम्हारा क्या किया जाए यही तो है द्वंद्व दिस इज वट इज द द्वंद्व तो, तो इसी आएगा तो मैं तो बोलूंगी ना कि मुझे नहीं आ रहा नहीं आपका हक है नहीं उसकी बात कौन मना कर रहा आज ही क्यों बोला रोज बोलो ना मुझे पूछने की जरूरत क्यों पड़ी खुद क्यों नहीं बोला जो अधिकार है वो खुद बोलोगी शुरू में ही बोलो ना कि सर ताकि प्रॉब्लम कम हो और चीजें जल्दी जल्दी फायदा हो मुझे रिस्पांस भी जल्दी चाहिए ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा चाहिए और काम भी चाहिए तो आप बिल्कुल बोलोगे यार देखो मैंने तुम्हें समझा दिया दस दिन का काम एक दिन में कर सकते हैं हम तुम सपोर्ट करोगे तब इस इनसिक्योरिटी से नहीं करना है कि आ, यार हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हो रहा है कुछ नहीं है ये ऐसा तो आप पूछो दस बार पूछो औरों का भी फायदा होगा डाउट रेज करो ये मत भूलो कि मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज डिस्कस करके ही निकाली है उन्होंने कैफे में बैठ के सिर्फ कैफे कॉफी पीते थे वो एंड लेट मी शेयर विद यू ऑल्सो हेयर पहले तो मैंने खैर ऐसा कभी शेयर नहीं किया मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो टॉपर्स बने हैं कैफे कॉफी डे और बैरिस्तर में बैठकर डिस्कस किया और तो भी टॉपर बन गए पढ़ना, पढ़ना खुद है हो सकता है आप उस डायरेक्शन में सोच नहीं सकते वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैंने सीसीडी में बैठ के बच्चे को पढ़ाया सीसीडी में सोचो पांच दस बैठे हुए हैं जी दो घंटे पहले मैंने टाइम दे दिया मैं आया तब तक उन्होंने कर लिया डिस्कशन हुआ तूने तू तूने क्या तुने क्या तूने क्या तुने क्या, तुने क्या, तुने क्या चाहिए हुआ ये हुआ ये हुआ ठीक है जी चलो जाओ तो इसलिए पूछो आप लोग स्मार्ट बनो हमारा हर मोमेंट कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर को देखो सब्जेक्ट को देखो ठीक है जी और कोई क्वेश्चन रह गया इसमें बोलिए ताकि हम कालमार्क्स को खत्म करने की कोशिश करें क्वेश्चंस पहले ही रेडी रखो मैं जानता हूं इस हैबिट में टाइम लगता है पहले ही रेडी रखो मेरे आते ही चैट बॉक्स में लिख दो क्वेश्चन पूछना क्यों पड़े मेरी एनर्जी लगवाते हो पहले क्यों नहीं चैट बॉक्स में फटाफड़ सबको चैट बॉक्स है, मिला हुआ है क्यों मिला है आगर थी आगर थी। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल सच बोला तो कोई नहीं यही तो बदलना है इसके बिना तो नहीं होगा पेपर हाँ बिल्कुल ठीक बोला तुमने बिल्कुल सही बोला अरे रुक जाओ नेक्रोसेंसी रुक जा भाई बाद में बिल्कुल सही बोला तो इस आदत को अपनी को बदलो फिर देखते हैं बिल्कुल सही आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू कम से कम पता तो है हाँ बिल्कुल सही एक्नोलॉज करना खुद को और खुद की कमी को सक्सेस का पहला साइन है एक्नोलॉजी मत करो बहस करते रहो रहो, दूसरे में कमी निकालते रहो पेपर निकाल कर दिखा देना तुम तो कोई दिक्कत नहीं है लेट्स एक्सेप्ट कल्चरल सोसाइटी यानी जो उसके जो सांस्कृतिक पहलू हैं कैपिटे सोसाइटी के उसकी बात कर रहे हैं सबसे पहला कल्चरल एस्पेक्ट क्या है उसका क्या होना चाहिए आइडियोलॉजी सबसे पहला कल्चरल एस्पेक्ट क्या होना चाहिए आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी ideology तो मार्क्स क्या कहते हैं अपार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग अपार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन अपार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो कि किसी चीज को शुरुआत करने के जो रिलेशन हैं अपार्ट फ्रॉम क्या बोला हमने अपार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिलेशन हाँ एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड आइडियाज मतलब अपार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग आइडियाज ऑल्सो आइडियाज ऑल्सो टेंट टू चेंज आइडियाज ऑल्सो टेंट टू प्रिवेंट जो विचार होते हैं आइडियोलॉजी होती है दैट ऑल्सो टेंट टू प्रिवेंट चेंजेस दैट ऑल्सो टेंट टू प्रिवेंट चेंजेस ठीक है जी एक आइडियोलॉजी है फ्यूडलिज्म की तो वो कभी नहीं चाहेगी कि कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी आए तो मार्क्स ने आइडियोलॉजी को समझाया नहीं है क्या आइडियोलॉजी क्या है क्या नहीं है, क्या है? फॉर हिम लिख दो फॉर हिम फॉर हिम इट मीन्स टू रिलेटेड आइडियाज दो तीन कोई भी आइडियाज जो जुड़े हुए हैं उसके हिसाब से वो क्या हो गया आइडियोलॉजी हो गए ठीक है आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी फॉर मार्क्स फॉर मार्क्स फॉर मार्क्स कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है इट इज इट इज कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी इज नेचुरली विजिबल कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी इज नेचुरली विजिबल इन एवरीडे लाइफ पहली बात तो ये कह रहा है भाई कैपिटिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो नेचुरली नेचुरली विजिबल है ओके नेचुरली विजिबल किसके थ्रू ब्रैकेट में क्या कह सकते हो कॉमोडिटी है कॉमोडिटी मनी ठीक है ना फिर वही बात है जैसे कहा गया है पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है अब जिसने ये कहा खुदा से कम भी नहीं है कायदे से वो कह रहा है भाई यही सब कुछ है तो मार्क्स ने यही बोला कि हम जानते हैं पैसा कागज है इसीलिए हिंदुस्तान में तो दुनिया भर के शेर है क्या लेके जाओगे क्या लेके आए थे खाली रात आए थे खाली रात जाओगे और फिर उससे बोलो भाई पांच रुपए की चाय पिलाइयो और कल तो पिलाई थी मैं नहीं पिलाऊंगा तो पॉइंट इज कि दो कॉन्ट्राडिक्शन जो हैं सोसाइटी के जो मतलब जो एक तो आइडियल वैल्यू हम कह रहे हैं एक एक मेटेरिस्टिक वैल्यू कह रहे हैं तो मेटेरियलिस्टिक वैल्यू वो कह रहा है कि भाई एवरीडे लाइफ में विजिबल है और उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते मतलब आपको वो इसीलिए वो आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी मैरिज तो हमारे यहाँ बिल्कुल वही फंक्शन है जितनी बड़ी शादी उतना ज्यादा पैसा दिखना चाहिए देर आर सर्टन कम्युनिटीज इन इंडिया जहां पर पैसे का पहले हिसाब किताब लगेगा भाई आप कितना खर्च करोगे आप कितना करोगे जी मैं दो करोड़ करूंगा ये तो कम है जी हमारे हिसाब से स्पेशल ये जो ये जो मैरिज है सेलिब्रिटीज की मैरिज है पूरा फोर्ड बुक हो रहा है जी उसके बाद कार्ड भी छुपाए जा रहे हैं मैरिज वॉज ए पब्लिक फंक्शन ढोल लगाड़े बसते थे सबको पता होना चाहिए ये उल्टा हो गया सीक्रेट लोकेशन पे वेडिंग करती वेस्टर्न कल्चर है ये हमारा कल्चर नहीं है तो ये यहां तो कैपिटलिज्म की वजह से है ना आपके पास पैसा इतना है कि कुछ तो करोगे तो ये चीजों को मार्क्स कॉम्योडिटी कह रहा है भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम अगेंस्ट लग्जरी एंड एम अगेंस्ट अपर क्लास बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू की वट इज़। उस मार्क्स के हिसाब से क्या है ये? ओके सो आइडियोलॉजी रेफर्स टू एवरीडे लाइफ हमने एग्जाम्पल दे दिया दिस आइडियोलॉजी This ideology of capitalism, this ideology of capitalism can be disrupted. Marx says that this ideology is, it, it can be disrupted. It can be disrupted. Okay, it can be disrupted because of its underlying material contradictions. Because of its underlying material contradictions. वो कहता है कि जो कैपिटलिज्म कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी है ये ब्रेक हो सकती है बिकॉज ऑफ इट्स अंडरलाइन कॉन्ट्रिक्शन अंडरलाइन कॉन्ट्री वेन वी बिकम अवेयर वेन वी बिकम अवेयर दैट वेन वी बिकम अवेयर दैट ह्यूमन वैल्यू इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मनी मानवीय मूल्य पैसे पर डिपेंडेंट नहीं है जब हम ये अवेयर हो जाएंगे ठीक है ना

आपको ह्यूमन पोटेंशियल सारी चीजों का जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो नेचुरली विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी का रोल आ गया ना ये ओके सो सो द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी सो द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी अटेम्प्ट टू हाइड दीज कॉन्ट्रोडिक्शन जो कॉन्ट्रोडिक्शन है ना उनको कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी छिपाती है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी छिपाती है उनको ठीक है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी छिपाती है इस चीज को इट विल हाइड दीज कॉन्ट्रडिक्शन कैसे कैसे वन बाय क्रिएशन ऑफ सब सिस्टम ऑफ आइडियाज यानी कि वो आइडियाज का एक छोटा सब सिस्टम बनाएगा क्रिएशन ऑफ सब सिस्टम ऑफ आइडियाज सब सिस्टम ऑफ आइडियाज जैसे जैसे कोई रिलीजन कोई फिलॉसफी, रिलीजन फिलॉसफी लिटरेचर लीगल सिस्टम ठीक है ना जी ये इसके इसके पीछे छिप जाएगा वो है कौन बनेगा करोड़पति क्या है कौन बनेगा करोड़पति वो एक तरीके से यही है आपने इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल के हिसाब से उसको मोल्ड कर दिया गरीब आदमी को दो करोड़ रुपए मिल गए अरे भैया नहीं वो जाके केस स्टडीज पढ़ो जिनको मिले थे वो बाद में और बर्बाद हो गए और मिलने के पीछे भी सिस्टम है ऐसा कोई फेयर ट्रांसपेरेंट गेम नहीं है ये बिग बॉस व्हाट इज दिस बिग बॉस व्हाई यू शुड हैव ए रियलिटी शो व्हेन यू आर लिविंग इन योर रियल लाइफ ऑल ऑफ यू आर लिविंग इन योर रियल लाइफ वाई देर शुड बी ए रियलिटी शो ऑफ दैट स्केल उसमें इतना अरबों रुपया इतना करोड़ों रुपया क्यों लगे पर वो हाइड है उसके पीछे उसके पीछे पूरा कैपिटल सिस्टम चल रहा है उसके पीछे वही बीस पचास सौ लोग गए जिनका पैसा घूम रहा है तो क्रिएशन डिमांड क्रिएट होती है आप अपना टाइम देते हो उसको देखने के लिए आप उसके एड से सामान खरीदते हो आपको पता ही नहीं चलता आप उनके कपड़े देखते हो आप उनके यू you नो know, कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं ये देखते हो सो दिस इज वट ही इज टॉकिंग आइडियोलॉजी क्रिएट कर दी गई है ठीक है और उससे क्या होता है फिर दैट मेक्स दैट मेक्स दैट मेक्स कॉन्ट्राडिक्शन अपियर कोहरेंट उससे क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन कैसे लगते हैं हमें कोहरेंट लगते हैं अरे नहीं 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 ये तो नॉर्मल है कैसी बात कर रहे हो जैसा भी सरस्वती जी ने बताया दैट मीन कॉन्ट्राडिक्शन अपियर कोहरेंट भाई उसने बोला आप बोलने को बोलते हो और बोलने फिर बोल रही हो तो ऐसे बोल रहे हो बात तो सही कह रही है वो लेकिन मैंने उसका जवाब दिया मैं मेरा जवाब कुछ और भी हो सकता था मेरा जवाब फर्स्ट प्लेस पे यही हो सकता था बोलने बोल लो लेकिन मैं बोलने नहीं दूंगा <laughs> सिर्फ बोलूंगा लेकिन बोलने नहीं दूंगा तो ये भी तो हो सकता है मेरे पास एक तरीका सो दैट विल बी कॉन्ट्राडिक्शन आर रिगार्डिंग माई पॉइंट फिर उसके बाद क्या होगा दिस आइडियोलॉजी एक्सप्लेन दिस आइडियोलॉजी एक्सप्लेन this ideology explain any contradictions any contradictions as individual problems any contradictions as individual problems एक वर्ड आपको और बताता हूं जो आपको आता भी होगा नहीं तो अपने आप उसको ढूंढ लो हां क्या कहते हैं इसको उसको कहते हैं अरे यार इडियोसिंक्रेसीज एक वर्ड सुना है आपने इडियोसिंक्रेसीज सुना ही नहीं अच्छा इडियोसिंक्रेसीज का मतलब होता है चलो जी इंग्लिश लिटरेचर आप बता दो तुमने भी नहीं सुना सुना है मतलब सब सुना ही है मीनिंग एक्ज़ैक्टली क्लियर नहीं अच्छा इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है कि सन की पना जैसे हम कहते हैं ठीक है कि भाई ये तो मतलब किसी की बात सुननी नहीं है और अपनी चलानी है और एक तरीके का एक तरीके का विचार जो कि आप जिससे प्रूव करते हो कि आपके आइडियाज आप जो हैं वो दूसरों से मतलब अलग तो ऑब्वियसली है ही लेकिन पॉइंट ये कि आप जो है न, आ, रिजिड तरीके से सोचते हो रिजिड भी नहीं कहूंगा मैं इडियो का मतलब है, जैसे मान लो मैं किसी बात पे बहुत इंसिस्ट करूँ काम ऐसे ही होगा और दुनिया में वो काम वैसे ना होता हो और मान लो दुनिया में जिस तरीके से वो काम होता हो वो गलत है वो और मेरा तरीका ठीक है लेकिन मेरा तरीका जो है वो टफ है मान लो ठीक है तो आप उसको ईडियो सिंक्रेसी कह के छोड़ दोगे ये तो पागल पना है तो सन की पना ऐसे थोड़ा ना होता है कौन कराता है ऐसे कौन बोलता है ऐसे कौन सोचता है ऐसे तो ये कौन क्या है द कौन इज द सिस्टम क्रिएटेड बाई कैपिटलिज्म बात समझ आई मेरी जैसे मैं बताता हूं तुम्हें रोमन सैनी का नाम सुना है ना तुमने तो रोमन सैनी जैसे ही स्टूडेंट सबसे आगे बैठता था वो और ऐसे पैर हिलाता रहता था और लिखता रहेगा एम्स के फर्स्ट ईयर से ही स्टार्टेड प्रिपरेशन वंडरफुल स्टूडेंट हार्ड वर्किंग सब कुछ ठीक है लेकिन बाद में जो रोल मॉडल बनाया जाएगा आउट ऑफ एम तो स्टूडेंट्स को भी तो वैसे ही काम करना पड़ेगा इफ यू टू बिकम एन टॉपर लाइक द वे ही क्रैक्ट एग्जाम

सम्यूट है हाँ, अब ये देखिए जूम का ही कोई प्रॉब्लम था जूम गॉट क्रैश आई बिलीव बिकॉज ऑल द सिस्टम वॉज वर्किंग सो दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि वीडियो स्टॉप की बिल्कुल सही बात है वीडियो स्टॉप तो ये पॉइंट है तो इसीलिए वीडियो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है ना जी उसके बाद हम क्या कह सकते हैं एक और दिस आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट्स दिस आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट्स

पूंजीवादी जो क्लास है जो अपर क्लास है दे प्रेजेंट कॉम्युडिटी फॉर्म एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल वो कहते हैं कि ये प्राकृतिक भी है और ये सार्वभौमिक भी है नेचुरल एंड यूनिवर्सल ओके दे आर नो से दैट दैट एक्चुअली कॉम्योडिटी इज नेचुरल एंड कॉमोडिटी इज यूनिवर्सल ठीक है जी ठीक है ना ये हो गई बात अब आगे आगे आइए चेंज कीजिए चेंज चेंज योर पैराग्राफ अब हम बात करेंगे फ्रीडम एंड इक्वेलिटी फ्रीडम एंड इक्वेलिटी फ्रीडम एंड इक्वेलिटी व्हेन सीन फ्रॉम व्हेन सीन फ्रॉम प्रिजम या लेंस व्हेन सीन फ्रॉम लेंस ऑफ कैपिटलिज्म जब आप लेंस जब आप पूंजीवादी लेंस के तहत जब आप देखते हो फ्रीडम और इक्वालिटी को फ्रीडम और इक्वालिटी को जब आप पूंजीवादी लेंस के तहत देखते हो तो क्या अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइडिया पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइडियाज इमर्ज भाई जब उसके थ्रू देखते पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइडियाज इमर्ज होते हैं जैसे 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 भाई फ्रीडम इज नेचुरल फ्रीडम तो नेचुरल है भाई सबके पास होती है ऐसा कैपिटलिस्ट शो करेगा फ्रीडम इज नेचुरल फ्रीडम इज नेचुरल ओके एंड आप देखिए मतलब इन जनरल जब हम कहते हैं तो फ्रीडम इज नेचुरल मतलब हम ह्यूमन बीइंग है तो हम जब पैदा होते हैं तो हमें लगता है ना फ्रीडम नेचुरल है फ्रीडम तो हमारी है और होनी चाहिए स्लेवरी इज आल्सो नेचुरल थ्रू आउट हिस्टोरिकल हमने पीरियड से क्या देखा स्लेवरी क्या है थी शुरू से ठीक है स्लेवरी इज ऑल्सो नेचुरल तो हम क्या मानते हैं अपने बारे में कि आ, कि स्लेवरी नेचुरल है कल्चर के थ्रू जब हम देखते हैं और सोसाइटी अगर हम देखेंगे आज की डेट में तो हम सब मानते हैं कि भाई फ्रीडम भी नेचुरल है ये मैं कहना चाह रहा हूं ओके बट अंडर कैपिटलिज्म बट अंडर कैपिटलिज्म अब ये बहुत ध्यान से समझना बट अंडर कैपिटलिज्म वी बिलीव

Hmm? क्यों क्योंकि वो तो इनहेरेंट हो रहा है ना तो ऊपर से तो आपको शो ही नहीं हो रहा कोई चीज हो ही नहीं रही है तो वो 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 कॉन्सेप्ट हो गया अब बिकॉज देयर इज एक्ट ऑफ एक्सचेंज है ना देयर इज एक्ट ऑफ एक्सचेंज है ना एक एक्सचेंज की प्रक्रिया है एक एक्सचेंज आप करते हो लेन देन करते हो आप विच इज विच इज बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म विच इज द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म विच इज द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म विच इज द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म विच विच एक और बहुत इंपॉर्टेंट है विच प्री है स्वतः मान लिया उस बात को उस बात को आपने स्वतः मान लिया स्वतः उसका मान लिया पहले ही मान लिया विच प्री, स्वोसे, प्री स्वोसे, निया निया। which presupposes equality of people in the exchange which presupposes the equality of people in the exchange okay gee. just as just as it believes just at just as it presupposes the equality of commodity in exchange just as it presupposes इक्वेलिटी ऑफ कॉम्योडिटीज इन एक्सचेंज है ना इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आपने इंसान को कॉम्योडिटी से केंग करके कर दिया आपने पैसा दिया मैंने पढ़ा दिया खत्म वी बोथ आर इक्वल ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप बना दी हर चीज को क्या बना दिया ट्रांजेक्शन बना दिया सो ये कैपिटलिज्म का इनहेरेंट वैल्यू है ये कैपिटलिज्म की एक इनहेरेंट हुआ है बात समझ आई मेरी है भाई आप यार आज की रेट में सोचो ना नहीं वो तो आंचल जी ठीक है वो ड्यूटी और वो दूसरी बात है वो अलग बात है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लेकिन वो अलग है भाई आज देखो आप मार्केट जाते हो मार्केट जाते हो आप आपने काउंटर पे पहुंचे आप और आप, आपका सामान हो गया हजार रुपए का ये लो जी दस रुपए की चीनी दे रहे हैं जी पचास रुपए की दे रहे हैं दस रुपए की अब आपको जरूरत नहीं थी चीनी की लेकिन आपको क्योंकि पचास रुपए की चीज कितने में मिल रही थी दस रुपए की तो आपने ले ली कल मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे एक व्हाट्सएप शेयर किया लव थर्टी मैं तो पढ़ भी नहीं पाया था पहले क्या लिखा था उसके ऊपर लव थर्टी लव थर्टी ऑफर मैंने कहा ये क्या भेज रही है तू तो लव थर्टी ऑफर था वो यानी कि किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई पर्टिकुलर ऑप्शनल अगर आप ज्वाइन करते हो आज की डेट में तो आपको लव थर्टी ऑफर के तहत थर्टी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और आपको पूरा ऑप्शनल ईएमआई पे भी पढ़ाया जाएगा आइए आइए कमाल है यार कमाल हो गया मैंने मैं तो देख भी नहीं पाया था लव थर्टी को उसने बाद में मुझे बोला सर आपने नहीं पढ़ा लव थर्टी मैंने कहा यार मैं तो फोटो देख रहा था एम आई पे कैसे पढ़ा रहा है वो क्या हो रहा है ये क्योंकि आपका ध्यान इस बात पे है कि मेरे पैसे ना जाए या मेरे पैसे तो पैसे कम से कम और मुझे कुछ मिले ऐसा नहीं होता दुनिया में इतिहास गवा रहा है गुरु परशुराम से लेकर सबने गर्दन तक मांग लिए सर, EMI का मतलब ये थोड़ी ना होगा कि वो पैसे छोड़ देंगे पैसे तो वो पूरे लेंगे ना तो यार तू तो बेवकूफ वाली बात कर रही है से तुम तो चली जाओगी की सौ रुपए रोज के सौ रुपए तो देने हैं मैं एक साथ नहीं दे सकती दस हजार बीस हजार पचास हजार लाख रुपया दो लाख रुपया लेकिन मैं ई एम आई दे सकती हूँ तुम्हारा माइंड तो मैं उस तरफ तुम्हारे तुम्हारे को मैं इनकरेज तो कर सकता हूँ कि एक साथ नहीं देने तुम्हें अच्छा फायदा भी तो होगा ना जो लेगा उसको अगर आपको पढ़ाई की जरूरत है और आप एक साथ पैसे नहीं दे पा रहे हो तो अगर दे पा रहे हो ऐसे मतलब तो थोड़े थोड़े करके तो इसमें बुराई बुराई क्या क्या है है सही बिल्कुल है। इसमें कोई बुराई नहीं पर लव ऑफर हाँ तो बस ठीक है ये पढ़ाई नहीं होती है इसमें बुराई ये है कि इसको पढ़ाई नहीं कहा जाता इसको पढ़ाई की गार्ब में आप कुछ और कह लो ई से पढ़ना बुरा नहीं है मेरे पास भी स्टूडेंट्स हैं भाई तो सौ रुपए दे लेकिन ई ही पर्टिकुलरली आप हाईलाइट करोगे ये बुरा है सेब खरीदना बुरा नहीं है लेकिन दो रुपए किलो साथ में मैं अनार भी बेच रहा हूं तो तुम इसलिए ले रहे हो क्योंकि वो रुपए के हैं ये बुरा है बात समझेगी नहीं आई अभी भी नहीं आई कैपिटलिज्म कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू कॉमोडिटी कॉमोडिफिकेशन हो गया ये आपको किसी चीज की जरूरत है नहीं है सिर्फ इसका हिसाब किताब पैसे से नहीं होता भाई आपको फ्रिज की जरूरत है माना मैंने वो ई पे फ्रिज है लेकिन बा, बाई नाउ पे लेटर बाई नाउ पे लेटर आप अभी खरीद लीजिए पैसे आप बाद में दे दीजिएगा या क्रेडिट कार्ड जो कल्चर है उसको आप खुद सोचिए कि कहां तक वो फायदेमंद है एज ए पब्लिक सर्वेंट फ्यूचर पब्लिक सर्वेंट क्या आप उसको कितना प्रमोट करना चाहोगे जो क्रेडिट कार्ड कल्चर है उसको कितना प्रमोट करना चाहोगे क्या ऐसा कुछ दुनिया में वाकई हुआ है कि आप आज खरीद लो और कल आपको छूट जाएगा वो तो ये कंज्यूमरिज्म का दौर है ये टू हाँ, कार्ट जैसे कार्ट में डाल दो जी तो ये सारी चीजें उसका रूप है मैं ये नहीं कह रहा कि ई नहीं होना चाहिए बिल्कुल सही पॉइंट था मेरा पॉइंट ई से नहीं था मेरा पॉइंट उस पूरे कल्चर से था आप साथ में नहीं दे सकते टुकड़े टुकड़े करके दे दो लेकिन आप बोल क्या रहे हो बात समझ आई कि नहीं आई अभी तो मेरा मेरा क्वेश्चन ये है गरीब से थोड़ा कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप मत आप ये एम मत दो वो बात नहीं है तो बिकॉज इनहेरेंट वैल्यू तो इनहेरेंट चीज तो छुप गई अच्छा चलो छोड़ो ये भी छोड़ दो मुझे ये भी ये भी एग्जाम्पल छोड़ दो पेन ड्राइव कोर्स क्या होता है पेन ड्राइव कोर्स आप बताओ है आपको पेन ड्राइव भेज देंगे या पीडीएफ क्या होता है ये क्या है? कोई कोर्स नहीं है दुनिया में ऐसा कुछ भी ये दूसरा एक गार्ब है जब तक आपका बाय माइंड नहीं खुलेगा कोई चीज आपके काम नहीं आएगी कितनी कर लो आप होली सेल रिपब्लिक डे सेल और बिकना वही सामान है दबा दबा के तीस परसेंट ऑफ पहले सिक्सटी परसेंट उसकी वैल्यू बढ़ा दो और फिर उसको 30 परसेंट कम कर दो दिस इज कार्ल मार्क्स इज टर्म्स ऑफ मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं जिसमें कार्ल मार्क्स ने बोला है कि इक्वेलिटी ऑफ पीपल विद द कॉमोनिटी समझ आई अब या नहीं आई थैंक यू तो आगे और हम क्या कह सकते हैं आगे हम कह सकते हैं कि फ्रीडम इज एक्स फ्रीडम इज एज्यूम्ड फ्रीडम इज एज्यूम्ड इन दिस एक्सचेंज फ्रीडम इज एज्यूम्ड इन दिस एक्सचेंज जो ये एक्सचेंज है ना इसमें हम फ्रीडम एज्यूम कर लेते हैं आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने हैं बड़े जी बड़े लेवल पे ऐसे एग्जाम्पल देखो जब बड़े बड़े नुकसान होते हैं जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल है कैश बैक ऑफर कैश बैक जबकि आपके पास तो कोई कैश नहीं आ रहा है आपको जो सौ रुपए देंगे भी वापस तो बोलेंगे पांच की शॉपिंग जब करोगे फिर सौ रुपए आपके और आएंगे तो ये क्यों है भाई कैश बैक है तो तू ऐसी कैश दे दे वापस कैश बैक ऑफर जो होता है किसी भी चीज का कोई कूपन आपको दिया जाता है अगली शॉपिंग के लिए इस तारीख तक वैलिड है दो की शॉपिंग और करो आपको पांच फ्री मिलेंगे क्यों करवा रहे हो भाई शॉपिंग बात समझ आई अभी चलिए दिस फ्रीडम हमने क्या बोला बोलाज फ्रीडम इज एज्यूम्ड इन दिस इस एक्सचेंज में फ्रीडम को वैसे ही मान लिया जाता है ठीक है फ्रीडम इज एज्यूम्ड इन दिस एक्सचेंज बिकॉज बिकॉज everyone involved everyone involved is is presumed to be free to exchange everyone involved is presumed to be free in this exchange okay everyone involved is presumed to be free in this exchange as as एज एज हेयर द एक्सचेंज इज हेयर द एक्सचेंज इज हेयर द एक्सचेंज इज नॉट टेकन बाई फोर्स हे आर द एक्सचेंज इज नॉट टेकन बाई फोर्स बट फ्रीली ट्रेडिड सब कुछ तो फ्री ट्रेड के अंदर हो रहा है तो आप कैसे बोल दोगे मैं जबरदस्ती किया हेयर द एक्सचेंज इज नॉट बाई फोर्स बट फ्रीली ट्रेडिड बट फ्रीली ट्रेडिड एंड इट इज ऑल्सो ट्रू ऑफ लेबर टाइम इट इज ऑल्सो ट्रू ऑफ लेबर टाइम ऑल्सो ट्रू ऑफ लेबर टाइम ठीक है ये लेबर टाइम के लिए भी ट्रू है भाई तेरे को नहीं करना तू चला जा छोड़ दे आपको ऐसा हमेशा लगता है यार मैंने तो अपनी मर्जी से ही किया लेकिन आपने अपनी मर्जी से नहीं किया एक्चुअल में इट इज नॉट बाई दैट हाँ. शुरू में ज्वाइन कराती है तो कॉन्ट्रेक्ट साइन कराती है कि आपने किया तो अपनी मर्जी से था, और अगर नहीं। नहीं करते तो वो सीधी बात है की देखो वो तो बॉन्ड है, है वो तो बॉन्ड है तो चलो कम से देखो, 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 पढ़ के, मतलब वो चीज़ ही कह रही मैं ये वो कराते आपको पता भी होता है लेकिन अगर आप ये कहो की आप नहीं करोगे साइन तो आपको जॉब नहीं मिलेगी वो तो है वो तो देखो वो तो सरकारी जॉब का भी है

दौरे के ऊपर तो असिस्टेंट कमांडेंट और सीनियर ऑफिसर बोर्ड साफ कर रहे हैं और ऐसे खड़े हो रहे हैं तो उसका तो दिमाग ही खराब हो गया देख के बोला यार ये क्या है तो जब तक उसे देखा नहीं ना उस समझा नहीं उसने कि यार ऐसे है ये तो पॉइंट है कि बॉन्ड जरूरी भी है जैसे मेरे भी वर्किंग का एक बॉन्ड है जो पहले पता रहे वो बॉन्ड जरूरी है लेकिन जो आप कह रहे हैं वो भी मैं आपकी आप बात से एग्री करता हूँ आम आदमी आम जॉब में आदमी को नहीं पता होता कि क्या कॉन्सिक्वेंसिस है वो तो नौकरी को ले लेता है बेचारा अच्छा सोच के लेकिन फिर उसकी उसमें लिखा होता है

मैंने, देखा, मैंने रखा मैंने और मैं चला गया मैंने बाद में सोचा मैंने क्या किया इसने उसने सोचा नहीं था कि मैं चेक करूंगा या उसने सोचा नहीं था कि जनरली आदमी पूछता ही नहीं किया मैं तो बाई चांस पढ़ भी लिया मैंने और एक से बोल दिया ये 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 क्या आप एडिटिव मना कर रहे थे अरे तो एडिटिव ही है आपने एडिटिव नहीं बोला मुझे मुझे आपने बोला एडिटिव नहीं है ये ठीक है ना नाखून खाना मना है एडिटिव नहीं है ये और आपने जो है मुझे बोला कि एडिटिव नहीं है इसलिए ले लो मैंने ले लिया लेकिन था वो एडिटिव और मैंने उसी टाइम उसको बोल दिया मैंने कहा ये तो एडिटिव है तो उसने सॉरी ऑरी कुछ नहीं बोला मुझे उसने मुझे एक पैकेट दे दिया

कि अगर आपने कपड़े नहीं, नहीं खरीदे और आपने मिठाइयां खूब सारी नहीं खरीदी तो विल गो क्रेजी सो दैट इज वट ही अबाउट कि आप फ्रीडम ऑफ वैल्यू की जो बात कर रहे हैं एक्सचेंज की जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं तो मार्क्स क्या कहते हैं लिखो मार्क्स की भाषा है ये सरस्वती जी मार्क्स ने कहा है ये मैंने नहीं कहा तो मार्क्स ने क्या कहा कि इक्वलिटी एंड फ्रीडम इक्वेलिटी एंड फ्रीडम are not only respected in exchange are not only respected in exchange not only respected in exchange which is based on exchange values which is based on exchange values which is based on exchange values, on exchange values comma comma but but the exchange of exchange values but the exchange, a word both important, dusrevala exchange, but the exchange of exchange values is the real productive basis. but the exchange of exchange values is the real productive basis of all equality and freedom. of all equality and freedom. Okay?

बताओ एक चीज जो फ्री होनी चाहिए कायदे से किसी भी टाइम सदियों से सदियों तक क्या फ्री होना चाहिए आप बोलोगे नहीं एक शब्द के लिए है बताओ क्या फ्री होना चाहिए बोलो कोमल तुम्हें एक बात एक अगर अधिकार दिया जाए फ्री करने का तो किसको फ्री करोगी तुम और क्या फ्री करोगी अरे बोलो जल्दी यार तुम लोग तो भाई कमाल लोग हो यार बोलो जल्दी आचल जी आप बोलिए ब्रिजवाला जी आप लिखिए फ्रीडम टू एक्सेस ज्यादा हो गया ना फ्रीडम टू एक्सप्रेशन सिंपल सी बात बोलो ना कोई यार रटो मत अच्छी बात है सही बोला लेकिन और सिंपल बोलो इंदु सदियों से और सदियों तक क्या फ्री होना चाहिए कमाल हो गया भाई साहब हद है भाई हद है रिस्पेक्ट ठीक है कोशिश कर रही हो शाबाश अरे एक ऐसी चीज बोलो जो सदियों से सदियों तक फ्री होनी चाहिए कोई चीज कोई वस्तु कोई एंटिटी क्या फ्री होना चाहिए सदियों से सदियों तक कमाल हो गया ना एजुकेशन फ्री इन द सेंस कि हमारा खुद का राइट हो उस कोई दूसरा डिक्टेट ना करे देखो नहीं तुम ही समझ समझते नहीं हो ना भावना को जो हम लिखते हुए आ रहे हैं मार्क्स का कहना है सदियों से सदियों तक एक ही चीज फ्री होनी चाहिए वो है इंसान ह्यूमन बींग शुड बी फ्री ठीक है ना वट शुड बी फ्री ह्यूमन बींग और स्लेव क्या होना चाहिए कैपिटल पूंजी हमारी स्लेव होनी चाहिए और हो क्या गया है हुइज स्लेव पर इंसान फ्लेवर कैपिटल एसआर कैपिटल फ्री है बस इसको जो कैपिटल सम... कंट्रोल कर रहा है बिल्कुल कैपिटल कंट्रोल कर रहा है अभी सरस्वती जी ने मुझे नॉन तो कैपिटलिस्ट वाले तो इंसान के थ्रू ही कर रहा है मतलब कैपिटल तो इंसान ने जनरेट करी है हाँ तो बोलो बोलो तो आप कह रहे हो कि ह्यूमन फ्री नहीं है हाँ ह्यूमन फ्री नहीं है क्योंकि जो इंसान पूंजीवादी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इंसान नहीं है यहां पर वो एक सिस्टम है वो इंसान नहीं है वो इंसान वो होगा जब तुम्हें मान लो चोट लग गई और तुम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के बाहर पड़ी हुई हो बेहोश होने वाली हो तो तुम्हें उठा के कोई अंदर नहीं ले जाएगा पहले ये बोला जाएगा वही संजय दत्त के स्टाइल में फॉर्म भर पहले फॉर्म भर इसीलिए गुड्स मार्टिन एक्ट आया है हिंदुस्तान में कि अगर आपको चोट लग जाती है आप मरने वाले हो कोई आपको उठा के अगर हॉस्पिटल ले जाता है तो उसको जो है सरकार जो है सपोर्ट भी दे सकती है पुलिस उसको नहीं नहीं करेगी क्वेश्चन नहीं पूछेगी वरना अगर आप मरते कोई आदमी को चोट लग गई है एक्सीडेंट हो गया सबसे पहले पुलिस सर ऐसे पूछेगी कहाँ मिला कौन था तू कौन तू क्यों उठाया तुरा क्या है इससे लोग आजकल सबसे पहले जब कोई मर रहा होता है तो उसका वीडियो बनाते हैं और अपना चलते बनते हैं तू मरता रहे भाई और अगर अंधेरे का टाइम है तो जेब से पर्स से उसका पर्स निकाल लो या उसका मोबाइल निकाल लो और लेडीज है तो उसकी चेन छीन लो और या फिर जो है उसके अंगूठी कड़े कर, जो भी लेने ठीक है।, है तो इसलिए जागिए और चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रशासनिक सेवा हमसे मांग क्या रही है इंसान तो सब कुछ है ही है तो इंसान ही रहेगा वो तो सब कुछ कर लो वो क्या बात हुई वो तो कोई बात नहीं हुई तुम तो बहकी बहकी बात बोल रही हो साधु संतों वाली है कि मेरे घर अपना अपना घर मेरे नाम कर दे क्यों मैं तेरा नाम क्यों कर दू क्योंकि मैं भी इंसान हूं तू भी इंसान है ये थोड़ी ना ऐसे ही According to him, according to him, according to him, capitalist freedom, capitalist freedom, capitalist freedom take away, take away control over labor and its products. Take away, take away, what did say? take away, control over its labor. हाँ टेक अवे कंट्रोल ओवर इट्स लेबर टेक अवे कंट्रोल ओवर इट्स लेबर टेक अवे कंट्रोल ओवर इट्स लेबर एंड कैपिटलिस्ट रिलेशन जो पूंजीवादी जो रिलेशन है ना जो बड़े बड़े आपस में रिलेशन है पांच फार्म हाउस हैं या पचास फार्म हाउस हैं या राम रहीम छूट के आएगा तो गुड़गांव के फार्म हाउस में रहेगा ठीक है जो ये है जो कैपिटल रिलेशन है दे आर दे आर नॉट सीन एज ए फॉर्म ऑफ डोमिनेशन कैपिटलिस्ट रिलेशन जो है वो किसी भी प्रकार के डोमिनेशन का फॉर्म नहीं है दे आर नॉट सीन एज ए फॉर्म ऑफ डोमिनेशन दैट इज वाई दैट इज वाई मार्क्स हेट्स द व्यू घृणा करते हैं मार्क्स इस बात से इस बात की नफरत करते हैं इस बात से वो खुश नहीं है मार्क्स हेट्स द व्यू दैट फ्री कॉम्पिटिशन

आप फ्री हो आप जो मर्जी करो आप ओपन हो लेकिन क्या ऐसा है ऐसा नहीं है भैया आपके पास इंडिविजुअल फ्रीडम तो है लेकिन जो बड़ी इंडिविजुअल फ्रीडम है सबकी उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी छोटी इंडिविजुअल फ्रीडम रह जाती है और बड़ी इंडिविजुअल फ्रीडम आपकी चली जाती है क्योंकि भैया कैपिटलिस्टी प्रोडक्शन का कैपिटलिस्टी वेजेस है कैपिटलिस्टी सब कुछ है तो वर्कर दो वर्कर फ्री भी नहीं है और ना वो कैपिटलिस्ट के बराबर है अब इसी पे आपको क्वेश्चन आएगा सौ वर्ड डेढ़ सौ वर्ड ठीक है ना सो एक्चुअली सो एक्चुअली सो एक्चुअली कैपिटल इज फ्रीली एंड इक्वली एक्सचेंज सो एक्चुअली कैपिटल इज फ्रीली एंड इक्वली एक्सचेंज फ्रीली एंड फ्रीली एंड इक्वली एक्सचेंज विदउट प्रिजिटिस विदाउटिस पैसे भैया बराबर दे दो उसमें कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए बाकी सब ठीक है विदाउटिस so, करते हो ना इस आइडिया को वेन दिस वेन दिस जब इसकी अवेयरनेस हो जाती है जब इसकी अवेयरनेस हो जाती है ओके वेन वेन दिस

पहले आपको अवेयरनेस आएगी तभी तो आप इक्वेलिटी और एक्सचेंज की बात करोगे देन यू गो द नेक्स्ट स्टेज इन द नेक्स्ट स्टेज इन द नेक्स्ट स्टेज इन द स्टेज पीपल बिकम अवेयर ऑफ पीपल बिकम अवेयर ऑफ सोर्स ऑफ अनफ्रीडम एंड इन इक्वेलिटी लोगों को पता लग जाता है कि मेरी जो बंदिशें हैं मेरी जो बंदिशें हैं या हम कहना चाहिए अनफ्रीडम और इन है जो इनक्वेलिटी है उसका कारण क्या है ठीक है पहले तो आपको पता पहले तो महसूस नहीं हुआ फिर आपको महसूस हुआ अवेयरनेस aware, आई कि आई बिकम अवेयर ऑफ व्हाट इज माय अनफ्रीडम एंड व्हाट इज माय इन एंड दस एंड दस एंड दस एफर्ट्स फॉर चेंजिंग इट स्टार्ट आप उसको बदलने के लिए शुरू हो जाते हो आप उसको बदलने के लिए शुरू हो जाते हो तो क्या प्रूफ किया मार्क्स ने एंड दस मार्क्स ने क्या प्रूफ किया आप क्या कंक्लूड आप कर सकते हो मतलब क्या लिख सकते हो ब्रैकेट में कि फॉर कैपिटलिस्ट सिस्टम आइडियोलॉजीज आर नेसेसरी अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम को जिंदा रहना है तो उसको आइडियोलॉजी चाहिए ही चाहिए है. ताकि आ, ताकि कैपिटल सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके दे मस्ट बी देयर टू प्रोटेक्ट उसकी इनक्वेलिटी उसकी अनफ्रीडम सबको बचाने के लिए कैपिटल सिस्टम को आइडियोलॉजी चाहिए आइडियोलॉजी ऑफ इक्वालिटी चाहिए तो इसीलिए अब हम क्या मानते हैं कैपिटल सिस्टम इज इनहेरेंटली अनइक्वल, ये बात तो आप प्रूफ कर दोगे अब कैपिटलिस्ट सिस्टम इज इनहेरेंटली अनईक्वल आंतरिक स्वरूप के ऊपर पूंजीवाद में जो है डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो पूंजीवाद में जो असमानता है ये बात आप प्रूफ कर सकते हो नहीं कर सकते अब या बार बार मैं वही चीज बोलता रहू क्योंकि ये तो अलग अलग एंगल है ना सेम चीज के हाँ कर सकते इस, हैं, हैं।, हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप ये मानते हैं हाँ या ना मैं जवाब देते जाओ कि कैपिटलिस्ट सिस्टम कॉन्स्टेंटली इन को बढ़ाता है yes, क्या ये मानते हैं yes. ओके okay. ठीक yes, है ठीक है अंगूठा दिखा दो यार सब अलग अलग टाइम पे ये सर बोलेंगे तो कैसे चलेगा क्या आप ये मानते हैं कि क्या आप ये मानते हैं कि कि कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसरप्ट करता है टेक्नोलॉजी को ऑटोमेटिकली डिसरप्ट करता है ज्योग्राफिकल डिस्प्लेसमेंट को यानी भौगोलिक जो परिवर्तन या भौगोलिक जो वो है शिफ्ट है या फिर जो है इकोनॉमिक डिसलोकेशन है यानी आर्थिक तौर पे जो माइग्रेशन होते हैं उनको कैपिटलिस्ट ही मूव करता है कैपिटलिज्म एक तरीके से मूव करता है ओके थैंक यू क्योंकि आप ये बात समझिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्मी वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मशीन गन से लेकर जो आर्म डीलर है कौन है वो यूएस है वो क्या लड़ाई लेकिन यूएस में हो रही है लड़ाई हो रही है अफ्रीका में लड़ाई हो रही है एशिया में लड़ाई हो रही है सीरिया में माल कहां से आ रहा है अमेरिका से पैसा कहां जा रहा है अमेरिका में और लड़ाई कहाँ हो रही है सीरिया में बड़े बड़े आम डीलर जो है बैठे कहां हुए हैं रशिया में और सरकारें कहां गिर रही हैं अफ्रीका में बात समझे मेरी तुम या नहीं समझे है ज्यादा तो नहीं समझ गए तो ये है बात तो अगला एक पॉइंट हम और लिख सकते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम अ फ्लैट टैक्स ये भी एक पॉइंट है एक फ्लैट टैक्स होता है ना तीस परसेंट है भाई जैसे मान लो दस परसेंट है वो नीचेगा कैपिटलिस्ट सिस्टम प्रमोट से फ्लैट टैक्स फ्लैट टैक्स दैट टैक्स इज द रिच एंड द दुअर एट द सेम रेट इसमें गरीबी अमीरी की बात नहीं है आप भी दस परसेंट टैक्स दो तो, मैं भी दस परसेंट टैक्स दूंगा अरे भाई ये कैसे इसीलिए फिर जो है ये लोग ईडब्ल्यू का लेके ले सारे ताम करते हैं ओके बिकॉज 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 दे इग्नोर दे इग्नोर द आइडिया दैट इग्नोर द आइडिया डेट देयर मस्ट बी ग्रेजुएटेड टैक्स रेट भाई तीस परसेंट ही क्यों हो अंबानी पे तो अस्सी परसेंट भी लगा लोगे तब भी सौ करोड़ कमाएगा वो पर नहीं ग्रेजुएटेड टैक्स रेट नहीं होगा ग्रेजुएटेड मतलब आपका इतना है, तो इतना, होना इतना, है, तो इतना होना वो नहीं है उसके साथ उसको भी तीस परसेंट देना है हमें भी तीस परसेंट देना है ये कहां से आएगी बात अब ये क्या ये तो कैपिटल सिस्टम की देना ही है। है? और वो क्या कहेगा देखिए मैंने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया देखिए मेरी मेहनत आप लेजी हो आपको मेहनत नहीं करनी आती शार्क टैंक दिखाते हैं चलिए आपको फिर शार्क टैंक बनेंगे ये क्या है ये उसी का एक रूप है, है? कितनी जल्दी आपने कितने करोड़ कमा लिए, कितनी जल्दी आपने फंडिंग ले ली द क्राइटेरिया फॉर सक्सेस ओके जी कोई सवाल कोई जवाब जल्दी बोलो बोला करो तुम्हें सिखाते सिखाते तीन महीने लग जाएंगे असली पढ़ाई तो बाद में शुरू होगी लगता है कोई कोई सवाल कोई क्वेश्चन यस सर बोलिए ब्रिज बाला जी स्टार्टिंग क्या सर स्टार्टिंग में आपने बोल रहा था टेन टू प्रिवेंट चेंज आल्सो इसका मतलब क्या है हैं अब एक लाइन तुमने बोलती उसके आगे पीछे कुछ बोलने रही हो मेरे को कैसे याद होगा <laughs> फ्राइडे हाँ, को फ्री मिलेगा ट्यूजडे को ये मिलेगा इसी में उलझा के रखा हुआ है तो इसको चेंज क्यों करना चाहेगा वो क्यों चाहेगा की वो तुम्हें जागरूकता है कुछ चेंज हो अगर तुम जागरूकता की बात भी करोगे तो तुम्हें समाज से अलग माना जाएगा तुम्हें तो हीन भावना आएगी तुम्हारे अंदर तुम अगर महंगे कपड़े नहीं पहन रही हो और तुम अगर सस्ते दर्जी से सिलवा रही हो कि सौ रुपये में जो कपड़ा काम हो जाता है मंगल बाजार से तुम लेके आई हो बुध बाजार से लेके आई हो और वही चीज जो है शोरूम में या मॉल में आठ सौ रुपए की हजार की दो हजार की दस हजार की, की मिल सकती है तो हीन भावना आती है हमें वो पहनते हुए कि मैं तो अपने दोस्तों के बराबर नहीं हूँ मैंने तो ये नहीं पहना तो ये ये आइडिया कहाँ से आया है ये ये आइडिया तो वहीं से आया ना तो मार्क्स कहता है कि ये आइडिया ऑलरेडी कैपिटलिज्म लेके आता है कि मेरे दोस्त ढाई रुपए की कॉफी पीते हैं कभी कभी मैं भी तो शेयर करूंगा कभी-कभी मैं भी तो खर्च करूंगा, अब ये कौन सा इक्वालिटी का ये इक्वालिटी का पैमाना नहीं है ये।, है ये बात? एक माइंडसेट जनरेट कर दे जिससे कि वो इस तरीके से बिहेव करें, करें जरूरत भी नहीं है हाँ ऐसा है हंड्रेड परसेंट है ऐसा हंड्रेड परसेंट है ऐसा तो टू हंड्रेड परसेंट

तो जी उन्होंने वो इस बात से खुश है देखो हम कितने लोग फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं हमारे कारण देखो कितने लोग शेयर एंड स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं वो इस बात का मानते हैं कि हम सर्विस चार्ज बहुत थोड़ा लेते हैं उन्होंने बड़ा मास बना लिया है बहुत मास बेस है तो वो जो मैच था विश्वनाथा आनंद और इसका जो जो भी फैम करेक्टली आई डोंट रिमेम्बर आप देख लेना तो उन्होंने जो है ये कहा गया था न्यूज पेपर में इफ आई रिकॉर्ड करेक्टली कि आ, उसने ना कंप्यूटर की मदद ली और मैच में उसने विश्वनाथनंद को हरा दिया तो बाद में चीज बाहर आ गई अब कौन से आप वैल्यूज की बात कर रहे हो वो इतना बड़ा फाउंडर हजार करोड़ पांच सौ करोड़ दो हजार करोड़ का आदमी क्या जरूरत थी ऐसा करने की लेकिन नहीं तो यू हैव टू सी आप उम्मीद नहीं करते ऐसे कैसे होगा ठीक है चलिए रिलीजन हम रिलीजन पे थोड़ा सा लिख लेते हैं मार्क्स मार्क्स क्या कहते हैं फॉर मार्क्स रिलीजियस डिस्ट्रेस रिलीजियस डिस्ट्रेस रिलीजियस डिस्ट्रेस जो रिलीजियस जो संताप है जो उसका कष्ट है जो स्ट्रेस है रिलीजियस डिस्ट्रेस इज एट द सेम टाइम इज एट द सेम टाइम एक्सप्रेशन ऑफ रियल डिस्ट्रेस Is at the same time expression of real distress and also and also the protest against real distress. Expression of real distress ka or uske against protest Hmm. because बिकॉज रिलीजन इज द रिलीफ ऑफ ऑपरेस्ट क्रिएचर रिलीजन इज द रिलीफ कहा सहारा मिलता है वहीं मिलता है उसको ऑपरेस्ट क्रिएचर ऑपरेस्ट क्रिएचर जो भी दबा कुचला महिला है उसको कहां शांति मिलेगी धर्म में मिलेगी धर्म में मिलेगी उसको ठीक है इट इज द हार्ट इट इज द हार्ट ऑफ हार्टलेस वर्ल्ड ये जो है बेदिल दुनिया का दिल है ऐसा मार्क्स कहते हैं इट इज द हार्ट ऑफ़ हार्टलेस वर्ल्ड इट इज द हार्ट ऑफ हार्टलेस वर्ल्ड इट इज इट इज द ये भावना स्परिटनास पीपल इट इज द स्पिरिट ऑफ स्पिरिटलेस कंडीशन इट इज द स्पिरिट ऑफ स्प्रिटलेस कंडीशन क्या है लोगों का ये अफीम है इट इज ओपीएम ओ पी आई यूएम इट इज ओ अफीम है भाई ये क्या है ये इट इज ओ ऑफ द मासेस इसको ले लो तो सारे कष्टों का उद्धार ऐसा मार्क्स कहते हैं ठीक है तो क्या कहता है वो रिलीजन रिफ्लेक्ट ट्रूथ बट इन ए इनवर्टेड मैनर It reflects truth, but inverted manner, उल्टा दिखाता है वो ट्रूथ तो दिखाता है लेकिन उल्टा दिखाता है इनवर्टेड मैनर क्योंकि लोग जो है ना देख नहीं पाते है वो इसको भी रिलीजन से जोड़ रहा है मार्क्स इसको भी रिलीजन से जोड़ रहा है इट रिफ्लेक्ट ट्रूथ इन एन इनवर्टेड मैनर बिकॉज 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 Because capitalist system, because capitalist system, capitalist system creates, creates, capitalist system creates exploitation, creates exploitation which is given a religious form, which is given a religious form, creates exploitation which is given a religious form. क्या किया जाता है उसको रिलीजियस फॉर्म दे दी जाती है वो कह रहा है सारी प्रॉब्लम कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से है रिलीजन में तो हम सारा ढूंढते हैं हम गलत करते हैं सर बट बट दिस रिलीजियस फॉर्म दिस रिलीजियस फॉर्म दिस रिलीजियस फॉर्म या रिलीजियस मूवमेंट्स ओके रिलीजियस फॉर्म स्लैश रिलीजियस मूवमेंट्स कैन हेल्प कैन हेल्प टू क्रिएट रिवोल्यूशन अगेंस्ट कैपिटलिज्म कैन हेल्प टू क्रिएट रिवोल्यूशन अगेंस्ट नेशनलिज्मलिज्म ठीक है जी वो रिवोल्यूशन करते हैं उसके रिवोल्यूशन अगेंस्ट कैपिटलिज्मिज्म तो उनका कहना है कि रिलीजियस मूवमेंट जो है हमेशा कैपिटलिज्म के अगेंस्ट रही है और रिलीजन जो है बदल सकता है वो इनजस्टिस जो कर रहा है कैपिटलिज्म उसको लड़ाई करने में मदद कर सकता है रिलीजन उसको एक ताकत के तौर पे यदि देखा जाए तो ऐसा वो कहते हैं ठीक है जी हुँ? तो अब हमने जैसा बोला कि एक्सचेंज वैल्यू हमने बोली हमने यूज वैल्यू बोली हमने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू बोली हमने ये सारी चीजें लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू वगैरह तो हमने सब बता दिया ना सब बोलो अरे बोलो इंदु हां जी सर क्या था लेबर का आप तुम्हें ये सोचना है आज का तुम्हारा यही काम है मतलब अभी तो हम देखते हैं कि जितना भी हमने पढ़ा सोशोलॉजी का अब तक ये जो मार्क्स का हमने पढ़ा इंडिया में इसकी क्या केस स्टडी हो सकती है ठीक है जी इंडिया में क्या केस स्टडी बनाओगे जितने हमने पॉइंट अभी तक बोले जितने हमने एस्पेक्ट बोले वो एस्पेक्ट आप कैसे फिट कर सकते हो ठीक है हुँ? और हम एक दो पॉइंट्स लिख सकते हैं और क्या लिखेंगे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं मार्क्स फोकस्ड अपॉन इकोनॉमिक्स मार्क्स फोकस्ड अपॉन इकोनॉमिक्स एक्सटेंसिवली एक्सटेंसिवली He he defined use value. He defined use value. Defined use value and also exchange value. And also exchange value. Okay, the later LA are -T -T the later. Any former later. Later. L A double -T, T E R. The later one is quantitative in nature. Quantitative in nature. For example, amount of labor. For example, amount of labor. Amount of labor. Amount of labor. Amount of labor. which he relates with the concept of labor theory of value which he relates with labor theory of value labor theory of value labor theory of value ठीक है जी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या है जैसा कि हमने बोला कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू दैट इज दैट इज basic source of any value basic source of any value basic source of any value is the amount of socially necessary labor is the amount of socially necessary labor time is the amount of socially necessary labor time जितना सामाजिक तौर तो पे जरूरत होना चाहिए सोशली नेसेसरी लेबर टाइम नीडेड टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल नीडेड टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल नीडेड टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल अंडर अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन विद एवरेज स्किल्स With average skills and intensity of time. With average skills and intensity of time. Average skill and intensity of time. ये तो हो गया भाई आम आदमी वाली बात जितना जरूरी है जितना आता है जितना होना चाहिए उसको हमने क्या बता दिया लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू ठीक है जी बट इन कैपिटलिज्म बट इन कैपिटलिज्म बट इन कैपिटलिज्म But in capitalism, it becomes, it becomes, but in capitalism, it becomes less clear, it becomes less clear, less clear, it becomes less clear. इट बिकम्स लेस क्लियर बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ कैपिटलिस्टेंडेंसी जो कैपिटलिस्ट टेंडेंसी उसकी वजह से यह लेस क्लियर हो जाता है ठीक है जी ठीक है जी एक्सप्लेटेशन है ना तो इसीलिए वो लेस क्लियर होता चला जाता है क्योंकि कैपिटलिस्ट को तो जो मतलब की मार्क्स का ये कहना है कि कैपिटलिस्ट को तो मालूम नहीं है द नॉर्मल प्राइस ऑफ लेबर उसके अंदर जो अनपेड है जो जो बाकी सारी चीजें वो आएंगी ही आएंगी नहीं सरप्लस लेबर जो भी हर आज मैंने टाइम किया तो उसके पैसे मिल गए बस काम खत्म ओवर टाइम के आपको पैसे मिल गए तो ये जो चीज है इसको उन्होंने सरप्लस वैल्यू जो हमने कॉन्सेप्ट पहले बात की थी सरप्लस वैल्यू की हमने बात की थी ना की थी कि नहीं की थी 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 थी। हाँ तो सर प्लस वैल्यू से इसको रिलेट कर देते हैं ओके okay. और हमने एक जनरल लॉ ऑफ कैपिटलिस्ट अकोमेशन की बात भी की थी एम नॉट रॉन्ग जनरल लॉ ऑफ कैपिटलिस्ट कैसे करता है वो ये भी हमने बात की थी यस yes. है ना हा? बोलो भाई जल्दी-जल्दी जल हमने किया था कि नहीं किया था यस सर हम्म किया था तो इन सबको यूज करो बस फिर उसके बाद हमारा एक ही रह जाता है कम्युनिज्म और इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कर देंगे क्या है और कंटेंपरेरी टाइम पे एप्लीकेशन क्या है और उसके बाद हम आ जाएंगे तो भी थोड़ा बहुत करके हम आ जाएंगे डर्खाइम बाबू पे डर्खाइम बाबू में हम करेंगे सोशल फैक्ट थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा देखेंगे फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर जो हमारा कोर्स का पार्ट है सुसाइड हमारे कोर्स का पार्ट है रिलीजन थोड़ा सा देखेंगे मोरल एजुकेशन देखेंगे और खत्म ठीक है जी अब मार्क्स में बताओ कम्युनिज्म के अलावा अगर कुछ है तो बाकी आपको एक डॉक तो मैं अभी पहुंचा दूंगा बाकी भी धीरे धीरे देंगे सारे क्वेश्चन देख लो आज तक जितने आए हैं है? सारे क्वेश्चन चेक कर लीजिए ठीक है ना क्या हुआ इतने उदास क्यों हो तुम लोग सब बोलो हिंदू जी सर प्रिय आ रहा है इसलिए कौन बोला ये सरस्वती क्या हुआ सरस्वती जी क्या बोल रही हो सर कुछ नहीं बोल रही मैं आपने बोला है वो बोल रही है कुछ क्या बोल रहा है बोलो सर मैं कह रही थी प्रीलिम्स आ रहा है ना इसलिए थोड़ी प्रीलिम्स आ रहा है कोई वो तू बुलाओ तो आ रहा है ना नहीं बुलाओ तो नहीं आएगा वो वो तो आपको थोड़ा ना है कि वो दूल्हा है वो कि भाई न्योता दिया है यूपीएससी ने घर में लेटर भेजा था कि हां इस तारीख को हम भेजेंगे तुम्हारे पास बुलाया जाता है हैं सर कुछ नहीं <laughs> ये सब तो होगा ही पढ़ोगे तो अभी तो प्रलिम्स में बहुत टाइम है कोई काम की बात तो है तो बोलिए एनी अदर डाउट एनी अदर क्वेश्चन सर जो ये एग्जांपल बोल रहे हैं हम कि सिस्टम में कैपिटलिस्ट uh, लेबर को डिक्टेट करता है कि वो हुँ. क्या प्रोड्यूस कर रहा है तो ये ऐसे हो सकते हैं जैसे आजकल हम Uh, हो सकता है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा साथ में सोशल सिक्योरिटी का ध्यान तो रखते नहीं लेकिन वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग सब लैंडिंग की तरह करते हैं हाँ ये हो सकता है हो तो सकता है बहुत कुछ हो सकता है पर आप पहले यूपीएससी के तो देखो सारे के सारे कि मार्क्स पे पूछा क्या है फील क्या आती है आपको क्वेश्चन देख के वो सर अभी मतलब पास की चीजों से रिलेट करके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे समझ में आता है वो तो है ही लेकिन आपको लास्ट में तो आंसर लिखना है हाँ समझ तो आना चाहिए आप कम से कम जैसे आर्टिकल्स डालोगे आर्टिकल्स जो जैसे मैंने तुम्हें बोला ऐड देने को और बाकी भी तो फर्क पड़ेगा उससे और कुछ कोई और डाउट कोई और सवाल और प्रिलिम्स तो आएगा भाई ऐसा तो कुछ नहीं है सब कुछ होगा वो तो हर साल होगा तुम दो ना दो सिस्टम है हर चीज का तरीका है हर चीज का धीरे धीरे सीखता है आदमी देखते हैं क्या कर सकते हैं ठीक है पहले करिए समझदार बनिए सेरेंडिपिटी इज साइंस रिलेटेड यस सेरेंडिपिटी से ही हुआ था पेंसिलिन का आविष्कार करने आप कुछ और गए थे कर कुछ और गए इसे सेरेंडिपिटी कहते हैं कोमल जी ब्रिजवाला जी कोई और डाउट किरण जीडेंट हाँ. बिल्कुल बिल्कुल आप उसको पढ़िए अच्छे से सम... ये सारे मेरे ख्याल से मैंने कवर कर दिए कॉम्युनिज्म बस ये सारे वर्ड ही आने चाहिए एग्जाम में बेसिकली इतना तो मतलब इतनी इसके बाद नहीं मुश्किल दिक्कत हो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता डेढ़ सौ दो सौ वर्ड का आपकी पहुंच से बाहर बशर्ते आपको अप्लाई करना आ जाए एक तो होता है कि आप जनरली पढ़ देते मैंने भी, जैसे मैंने, मेरे भी तरीके हैं कि भाई आपको ये होता है, आप ऐसे तो ही तो पढ़ते हो कहीं पे भी पढ़ोगे यही तो है मटीरियल था वर्ड सुना थोड़े ना होता है तो ठीक है अच्छा इसको रिवाइज कीजिए कल बात करते हैं कल रखा इन बाबू को शुरू करने की कोशिश है मेरी मैं चाहता हूं समय कम वेस्ट हो किसी भी चीज पे तो आप मुझे सपोर्ट किया कीजिए क्वेश्चन पूछो डिबेट करो मुद्दे लेके आओ पुराने क्वेश्चन के मुद्दे लेके आओ मोरल मोरल बूस्टर बूस्टर का नहीं है, फोरम नहीं है फोरम है उसके लिए पांच मिनट अलग से बात पूछ लो अलग से कुछ वो तुम्हारा अधिकार है वो हर स्टूडेंट को चाहिए मोरल बूस्टर हर स्टूडेंट जिटरी होता है लेकिन हम पूरा नहीं कर उसको पूरे टाइम ऐसे फैला नहीं सकते हम कभी कभी एक आध बार जैसे आज मैंने कर दिया अब ये नहीं कि भाई अब रोज ही फैल जाओगे नहीं ऐसा नहीं हो क्या करें भाई <laughs> हाथ बंधे हुए हैं तो देखते हैं और ऐसा कुछ नहीं है अगर ज्यादा तैयारी का लगे कि मैं बिल्कुल तैयार नहीं तो मत दो इस बार ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई देना ही जरूरी है अब समझो तो पहले हो क्या रहा है कॉन्फिडेंट बनो पहले एक बार दो ढंग से दो फोड़ दो उसको तो ऐसा कुछ नहीं है बी कॉन्फिडेंट एंड चेयरफुल देर विल बी वेज आउट All the best to all of you. Thank you. Thank and wishing so. you all the Thank best. You, you, See you tomorrow. Okay. Bye. 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 Thank you, sir.